हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू एंग्लो सैक्शन पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्शन एज जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में होगा। तो आप लोग जल्दी से सेशन के लिए स्टार्ट करिए और पेपर पेन अपने पास रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस यहाँ पे 1, 2, 3 दिए गए हैं, आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे दीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो है आप सभी के लिए, हु रोट इसलेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये बुक का नेम है, आपको बताना है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इस बुक को किसने लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है बीट, ऑप्शन बी सेनेवल, ऑप्शन सी किंग एल्फ्रेड या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ अबव। इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये है बीट, बीट इज द करेक्ट आंसर, ये हम टिक करेंगे। इसलिए इतिहासिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल ये जो वर्क था ये वेनरेबल बीट का वर्क था, जो कि एंग्लो सैक्शन के एक महान पोएट थे, ग्रेट पोएट थे, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, बीट रोट हिज इसलियास्टिकल हिस्ट्री इन, किस लैंग्वेज में इस वर्क को लिखा है इसलियास्टिकल हिस्ट्री इन ऑफ इंग्लिश पीपल। बीट के, वनरेबल बीट के इस वर्क को आपको बताना है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है, लैटिन में लिखा गया है, फ्रेंच में लिखा गया है, इंग्लिश में है या ग्रीक में है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मीन्स लैटिन लैंग्वेज में ये वर्क लिखा गया है वल्नरेबल वीट का, इसलेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। दिस इज द वर्क जो कि लैटिन लैंग्वेज में, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज पॉपुलर लैंग्वेज नहीं थी, इंग्लिश लैंग्वेज का अभी भी उसमें एक तरीके से आप ये कह लो कि उसको रिफाइन होना था, जो कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ है। और ओल्ड इंग्लिश टाइम या एंग्लो सैक्शन टाइम में जो मोस्टली जो लैंग्वेज थी वो लैटिन लैंग्वेज में या ग्रीक लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में वर्क्स लिखे जाते थे, लिटरेरी वर्क्स लिखे जाते थे। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे, आप सभी इसका आंसर करिए। टाइम लाइन ऑफ एंग्लो सैक्शन एज इज, एंग्लो सैक्शन एज का टाइम ड्यूरेशन क्या था, मीन्स कब से कब तक ये पीरियड था, इसका आंसर करना है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी यहाँ पे हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी। ऑप्शन ए है 452,066, ऑप्शन बी 455,010, ऑप्शन सी है 400,000 या ऑप्शन डी है नन। इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा आएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए मींस 452,066 वाज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एंग्लो सैक्शन एज, या जिसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। दिस वॉज द फर्स्ट पीरियड जो कि रिगार्ड किया जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ का जो था इस टाइम ड्यूरेशन लिखा गया था वो ओरली लिखा गया वर्क बियोल्फ था, जो कि बियोल्फ लिखा था, उसके ऑथर का नेम नहीं पता, बट दैट वॉज द एपिक पोएम ऑफ द ओल्ड इंग्लिश टाइम या एंग्लो सैक्शन पीरियड। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे थे। अगले नेक्स्ट 4, 5, 6 क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं, आप सभी इसका आंसर करिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है नंबर 4 क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। बी टेल्स द स्टोरी ऑफ एन अनलर्नेड कोहेड हु इंस्टीट्यूटेड अ स्कूल ऑफ क्रिश्चियन पोएट्री, हु वॉज ही, वो कौन था उसके बारे में बताना है, जिसको बीड ने, जो वनरेबल बीड थे, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, टेल्स अ स्टोरी ऑफ एन अनलर्नेड कोहेड हु इंस्टीट्यूटेड अ स्कूल, उसके बारे में बताना है क्रिश्चियन पोएट्री कि जिसने इंस्टीट्यूट किया है उसको, स्कूल ऑफ क्रिश्चियन पोएट्री। ऑप्शन ए हॉर्थेंगर, हेजलेक, बियोल्फ या कैडमोन, वी हु वॉज दैट मैन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, कैडमोन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 5 है, हु वेयर डज दिस कोट कम फ्रॉम, द मिडिल अर्थ, मैनकाइंड्स गार्जियन, इटर्नल लॉर्ड, आफ्टरवर्ड्स मेड, क्या है, वेयर डज दिस कोट कम फ्रॉम, किस वर्क से ये कोट लिया गया है, कोटेशन लिया गया है जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करता है। कोटेशन क्या है, द मिडिल अर्थ, मैनकाइंड्स गार्डियन, इटर्नल लॉर्ड, आफ्टरवर्ड्स मेड। ऑप्शन ए है किडमोन की हिम से, या आपका है बियोल्फ द एपिक पोएम से, लॉर्ड ऑफ द रिंग से, या बैटल ऑफ माल्डोन, विच वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन
ए. केन मॉन वॉज द ग्रेट राइटर, ग्रेट पोएट ऑफ दिस टाइम ड्यूरेशन, और इनकी ही वर्क जो इनका था हाइम उससे बिलोंग करता है ये वर्क, ये लाइन, ये कोटेशन वहीं से लिया गया है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. वॉट ओल्ड इंग्लिश पोएम, नंबर 6 क्वेश्चन है, टेल्स द स्टोरी ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट अ स्कैंडिनेवियन रेड. इस क्वेश्चन नंबर का आंसर करिए, नंबर 6 का, कि इसका जो आंसर है वो क्या है, द बैटल ऑफ मेल्डर्न या बियॉल, कैनमॉन्स हिम, या ऑप्शन डी है ड्रीम ऑफ द रोड. विच वन इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इंग्लिश पोएम, ओल्ड इंग्लिश पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेसिस्टेंस अगेंस्ट द स्कैंडिनेवियन रेड? एंड आंसर इज ऑप्शन ए. देखिए, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में हम अगर पढ़ते हैं तो हमें जो राइटर्स का पता है या पोएट्स के बारे में पता है, सनेवुल्फ के बारे में पता है, एंड साथ ही साथ बियॉल्फ के बारे में पता है जो वर्क है, बीड के बारे में पता है जो नेम हम सुनते हैं, बट कुछ ऐसे नेम है जो कि अननोन है या बहुत ज्यादा आप ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एक्सप्लोर नहीं करते हो, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं आपके. इसीलिए हमने कोशिश करी है कि आपके लिए इस सीरीज में वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के लिए मैं लेके आऊं. तो इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, इस क्वेश्चन का आंसर होएगा वो ऑप्शन ए होएगा. ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नंबर 7, 8, 9 स्क्रीन पे है आप सभी के लिए. जिनको जिनको आंसर पता है वो जल्दी से 7, 8 नंबर डाल के आंसर उसके आगे मेंशन कर दीजिए. तो 7 नंबर क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे. हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश सेक्शन एंड क्रॉनिकल्स, इंग्लिश सेक्शन क्रॉनिकल्स को किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इसमें किसने कॉन्ट्रीब्यूशन की है, कि मीन्स क्रॉनिकल्स वो होते हैं जो किसी टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड जो एक तरीके का जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं या बुक्स होते हैं या उस टाइम ड्यूरेशन में कौन कौन सी चीजें कैसी थी उसको एक कंपाइल करना, सो दैट आगे वाली जनरेशन, आने वाली जनरेशन समझ सके कि वो टाइम ड्यूरेशन कैसा था और कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे या क्या एनवायरमेंट था, क्या नेचर था उस टाइम ड्यूरेशन का. तो उसको किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है जिसको हम इंग्लिश सेंक्शन क्रॉनिकल्स के नेम से जानते हैं? किंग एल्फ्रेड ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी है कैनमॉन, ऑप्शन बी सेनेवल, या ऑप्शन डी है नन. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, किंग एल्फ्रेड. किंग एल्फ्रेड वॉज द ग्रेट, यहाँ पे जो एम्परर थे इस टाइम ड्यूरेशन के, और इन्होंने इंग्लिश सेंक्शन क्रॉनिकल्स पे कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उसको कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एक इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल था. नंबर 8 है, यहाँ पे आपका डैश है, इज कंसिडर्ड द नेशनल एपिक ऑफ द इंग्लैंड. नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड किस वर्क को बोला जाता है इन चारों ऑप्शंस में से? बियॉल, द क्राइस्ट, विटसेट, या नन. ये सभी डिडैक्टिक वर्क्स हैं यहाँ पे, जैसे क्राइस्ट है, विटसेट ये डिडैक्टिक वर्क्स है, बियॉल एक एपिक पोयम है. तो नेशनल एपिक जो है, आंसर आपने समझ लिया होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. बियॉल इज द कंसिडर्ड एज द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एक एपिक पोयम है और इसके राइटर का नेम नहीं पता है. अब नंबर 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मींस हैपेंड, क्वेश्चन मार्क है, तो किस टाइम पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था जिससे मिडिल इंग्लिश पीरियड का स्टार्टिंग बोला जाता है, हम उसको बोलते हैं. ऑप्शन है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो कि 1066 में हुआ है, या बैटल ऑफ वेडमोर 1878 का वो टाइम था, या बोथ, या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव. इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है? जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, मींस नॉर्मन पे विजय प्राप्त की गई थी, ये आपको बताना है, और इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है. बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066 में हुआ था, और इसी से हमारा क्या होता है, मिडिल इंग्लिश पीरियड की स्टार्टिंग होती है. इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, और पढ़े हैं तो उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसके साथ साथ जो नहीं पढ़ा है आपने तो उसको आप नोट डाउन करते चलिए. अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आप सभी के लिए, 10, 11 एंड 12 नंबर क्वेश्चंस हैं, आपको इसका आंसर करना है. नंबर 10 क्वेश्चन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोएम्स इन इंग्लिश, बियॉल्फ इज रिटन बाय. बियॉल्फ जो पोएम है, जो कि ओल्डेस्ट पोएम है इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की, आपको इसको बताना है कि ये किसने लिखा हुआ है, किडमॉन, या सिनेवुल्फ, बीड, या अननोन. तो इसके जो राइटर का नेम हमें नहीं पता, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा. द ऑथर, द पोएट ऑफ दिस एपिक पोयम इज अननोन, एंड दैट्स व्हाई
ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा. अगला नंबर 11 क्वेश्चन है. द थ्री डैश ट्राइब्स केम टू इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी. जर्मनिक ट्राइब्स थे या वो फ्रेंच ट्राइब्स थे, इटालियन ट्राइब्स थे या ग्रीक ट्राइब्स थे, जो कि इंग्लैंड में मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी में आए थे, जिससे एंग्लो सैक्सन एरा का स्टार्टिंग माना जाता है. तो आप मुझे बताइए कि वो तीन ट्राइब्स कहाँ से आए थे जो कि इंग्लैंड में आए थे. तो वो जर्मनिक कंट्री के थे या आपके फ्रेंच कंट्रीज के थे या आपके इटालियन कंट्री के थे या आपके ग्रीक कंट्री के थे. तो आपका आंसर जो होगा वो हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. दे वर द जर्मनिक ट्राइब्स, ओके, हु केम टू इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी. 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है. नंबर 12 स्क्रीन पे है. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग. फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग ये किसको बोला जाता है? बीट, सिनेवुल्फ, किंग एल्फ्रेड, नन ऑफ दीज. आंसर है ऑप्शन ए. वेनरेबल बीट को हम फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट इज बीड. ओके, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है. तो अभी तक ने आपने नोट डाउन कर लिया होगा और सेशन कैसा लग रहा है इसको एक बार शेयर करने के साथ साथ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और आगे चैनल पे जुड़े रहिएगा इस चैनल पे, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलेंगे आपके. ये प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं सब, तो हमारा ये जो है एंग्लो सैक्सन एरा से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है. अगला नंबर 13, 14, 15 क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी के लिए. आपको इसका आंसर देना है. तो मुझे बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए जो स्क्रीन पे है. वन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एंग्लो सैक्सन पोएट वॉज टू. जो प्रिंसिपल फंक्शंस हुआ करते थे एंग्लो सैक्सन पोएट के, जो उस टाइम ड्यूरेशन में पोइट्रीज लिखा करते थे, उनका जो प्रिंसिपल फंक्शन था जो कार्य करने का या पोइट्री लिखने का, वो क्या था? रिसाइट सॉन्ग एंड टेल्स, ऑप्शन बी प्रोवाइड डांस म्यूजिक, ऑप्शन सी डांस ओनली, या ऑप्शन डी नन. और क्या था उस टाइम पे? ओरली पोइट्रीज जो होती थी, बहुत होती थी, एक सुनाया जाता था जो जैसे प्रीचिंग के वे में, टीचर लेसन्स के वे में. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के राइटर्स थे, पोएट्स थे, उनका क्या काम था? रिसाइट सॉन्ग्स एंड टेल्स. जो कि सॉन्ग्स एंड टेल्स थे उसको रिसाइट करना उनका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फंक्शन था, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन में राइटिंग वॉज नॉट द पॉपुलर जॉनर जो एक था. ओरल वे में ट्रांसमिट किए जाते थे जो भी सॉन्ग्स, टेल्स एंड प्रीचिंग्स हुआ करती थी. तो ये इंपॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल फंक्शंस थे एंग्लो सैक्सन पोएट के. अगर हम इसके एक फीचर्स की बात करें इस एरा की, तो रिसाइट सॉन्ग्स एंड टेल्स वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर वी हैव रिलेटेड टू एंग्लो सैक्सन पीरियड. ओके, नंबर 14 क्वेश्चन. पोएट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन वॉज पास्ड डाउन थ्रू वॉट मीन्स. जो पोइट्रीज थी वो एंग्लो सैक्सन पीरियड की, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है नंबर 14 का, जो पोइट्रीज थी एंग्लो सैक्सन पीरियड में वो किस तरीके से पास आउट की जाती थी, पास डाउन थ्रू वॉट मीन्स. उसका जैसे पोइट्री जो बोलने कहने का वो एक दूसरे के संसाधन था, जो पहुंचाने का एक दूसरे का मीन्स था इंपॉर्टेंट, वो क्या था? ऑप्शन ए ओरल ट्रेडिशन, ऑप्शन बी रिटन, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन. अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया इस 13 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि ओरली ट्रांसमिट किए जाते थे पोइट्रीज जो होती थी, क्योंकि रिसाइट किया जाता था सॉन्ग्स एंड टेल्स को. तो इसका ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा. ये हमारा है ऑप्शन ए, ओरल ट्रेडिशन. ओके, नंबर 15 क्वेश्चन है. हूज इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल 1731 का ये वर्क है. Recounts the history of the church in England. Recounts the history of church in England. ये वर्क जो था इसलिए ecclesiastical history of English people, जो कि चर्च, इंग्लैंड की चर्च से रिलेटेड स्टोरी को रिकाउंट करता है, तो वो किसका वर्क है? अभी हमने इसके स्टार्टिंग में ही बात की थी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था हमारा. तो इसके बिना ऑप्शन को पढ़े हुए जल्दी से हम आंसर करेंगे और दैट इज ऑप्शन डी. वेनरेबल बीड इज द करेक्ट आंसर. तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आएगा, नंबर 15 क्वेश्चन. नंबर 16 की तरफ चलते हैं. 17, 18 ये स्क्रीन पे रहा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए. वी ऑल द ओनली इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर सर्वाइविंग सिंस द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज. एंड फिर से आपके लिए क्वेश्चन आया है बियोल्फ पोएम से रिलेटेड, जो कि ओनली इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर है, कि जो उस ओल्ड इंग्लिश टाइम ड्यूरेशन का एक सर्वाइविंग वर्क है, क्योंकि और जो वर्क है उनका सिर्फ नेम पता है, वो वर्क सर्वाइव नहीं करते हैं.
ये एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर है बियॉल्फ, जो पोयम है आपको बताना है ये क्या है, इस किस तरीके की पोयम है। दिस इज अ लिरिकल बैलेड, दिस इज अ प्रोज नैरेटिव, दिस इज एंग्लो सैक्सन एपिक या दिस इज अ क्लासिकल एपिक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है, ये हमारा एंग्लो सैक्सन एपिक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बियॉल्फ इज अ एंग्लो सैक्सन एपिक। नंबर 17 क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ये रहा हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी लिटरेरी डिवाइस यूज इन इंग्लिश पोएट्री, ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में स्पेसिफिकली जो प्राइमरी लिटरेरी डिवाइस था वो क्या था, मीन्स कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज करते थे पोएट्स उस टाइम ड्यूरेशन के। ऑप्शंस पढ़ देती हूँ मैं, ऑप्शन ए है एलिटरेशन, ऑप्शन बी किनिंग्स, ऑप्शन बी राइम या ऑप्शन डी है कंसीट्स। तो ऑप्शन इसका ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, एलिटरेशन। ओके, एलिटरेशन वॉज द मेन प्राइमरी लिटरेरी डिवाइस यूज इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वर्क बिगिंस ही हु इज अलोन ऑफन लीव्स टू फाइंड फेवर, किस वर्क का स्टार्टिंग इस लाइन से होता है, इसका आंसर करना है। व्हाट वर्क्स बिगिन ही हु इज अलोन ऑफन लीव्स इन द टू फाइंड फेवर। ऑप्शन ए बियॉल्फ का स्टार्टिंग होता है या ड्रीम ऑफ द रूड या बैटल ऑफ द मेल्डोन या द वैंडरर, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18। और इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ओके, वांडरर्स, वांडरर्स इज द करेक्ट आंसर। द वांडरर्स व्हिच इज अ वर्क ऑफ दिस टाइम ड्यूरेशन, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का है, और इसका जो स्टार्टिंग होता है इस वर्क का वो है ही हु इज अलोन ऑफन लीव्स टू फाइंड फेवर। नंबर 19, 20 एंड 21 क्वेश्चंस स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। नंबर 19 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, What work begins? Yes, we have heard of the glory of the Spartans, kings in the old days, how the princes of the people of that people did brave deeds. किस वर्क की बिगिनिंग इस लाइन से होती है, बियॉल्फ, बैटल ऑफ मेल्डोन, ड्रीम ऑफ द रूड एंड वंडरर। तो करेक्ट आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है आप सभी के लिए, बियॉल्फ का स्टार्टिंग जो होता है इस लाइन से होता है, जो वर्क बिगिन करता है इस लाइन से वो है हमारा बियॉल्फ, द ग्रेट एपिक पोएम ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड। और ये लाइन क्या थी, यस वी हैव हर्ड ऑफ द ग्लोरी ऑफ द स्पियर्डेंस किंग्स इन द ओल्ड डेज, हाउ द प्रिंसेस ऑफ दैट पीरियड डिड ग्रेट डीड्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यहाँ पे हु ट्रांसलेटेड बीट्स हिस्ट्री इन टू इंग्लिश इन द एंग्लो सैक्सन पीरियड। ऑप्शन ए किंग एल्फ्रेड, बीट एंड कैटबॉर्न एंड डी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आएगा कि बीट की हिस्ट्री को, हिस्ट्री ऑफ इस्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल जो था उसको एल्फ्रेड, किंग एल्फ्रेड ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 21 का भी आंसर हमारा जो है वो सी है। क्वेश्चन क्या है, द मॉन्स्टर ग्रैंडेल अपीयर्स इन द पोयम, ग्रेट मॉन्स्टर है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का कि एपिक पोयम का इसका, और वो इस मॉन्स्टर का जो नेम था वो ग्रैंडेल था, और उसका आपको अपीयरेंस किस पोयम में मिलता है, और वो है बियॉल्फ द ग्रेट एपिक पोयम। और ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, ग्रैंडेल की बात करते हैं, मॉन्स्टर की बात करते हैं इसके, तो ये बहुत ही फेमस मॉन्स्टर, फेमस कैरेक्टर जो कि बियॉल्फ एपिक पोयम से बिलोंग करता है। 22, 23, 24 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, द डिडैक्टिक पोयम क्राइस्ट इज रिटन बाय, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, सिनेबल, इसका जो आंसर यहाँ पे दे दिया गया है आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। 23 है, बियॉल्फ इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ द, यस ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट होगा, मॉन्स्टर एंड अ किंग, मॉन्स्टर एंड किंग की ये स्टोरी है, ये बर्ड एंड किंग की नहीं, पीपल एंड किंग की भी नहीं है, दिस इज रिलेटेड जिसकी हमने बात की अभी, ग्रैंडेल जो मॉन्स्टर था वो इसी वर्क में था बियॉल्फ में, तो जो बियॉल्फ जो वर्क है वो किस पे बेस्ड ऑन है, दैट इज बेस्ड ऑन अ मॉन्स्टर एंड अ किंग। 24 क्वेश्चन है, द पोयम ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड विच डिस्क्राइब्स द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर इज, कौन सा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी, कंप्लेंट ऑफ अ डियोर इज द
आंसर, जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड का पोयम था, जो कि डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर को डिस्क्राइब करते हुए ये पोयम लिखी गई है, कंप्लेंट ऑफ ड्योर। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है आपको तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लवर, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर इज अ पोयम, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का है, जो कि ये डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर जो रिलेट करता है पोयम, वो कंप्लेंट ऑफ ड्योर है, दैट इज एंग्लो सैक्सन पीरियड्स पोयम। तो 22, 23, 24 अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। आगे क्वेश्चन है 25, 26, 27। 25 क्वेश्चन पढ़ देती हूं मैं। नेम द रिलीजियस पोएट्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। रिलीजियस पोएट के बारे में बताना है। आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन, कैडमोन, सेनेवुल, ऑप्शन सी, बी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज में से कौन सा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, कि जो कि रिलीजियस पोएट्स थे, डिडैक्टिक पोएम्स लिखा करते थे, एक धार्मिक पृष्ठभूमि को या धार्मिक जो सब्जेक्ट मैटर था उसको ध्यान करके ऐसी पोएट्रीज लिखी जाती थी, तो उनके पोएट्स का नेम आपको बताना है। वो क्या है एंग्लो सैक्सन के पोएट्स, वो है कैडमोन एंड सेनेवुल। इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि ए एंड बी बोथ आर दी रिलीजियस पोएट, डिडैक्टिक पोएट्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओके, नंबर 26 है, एट द बैटल ऑफ द हेस्टिंग्स सैक्सन किंग हेरोल्ड वाज डिफीटेड बाय, किसके थ्रू इनको डिफीट किया गया था, जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था, कब हुआ था, 1066 में हुआ था, 1066 में ये बैटल हुआ था। और एंग्लो सैक्सन जो किंग था, वो किंग हेरोल्ड था, उसको किसने डिफीट किया था, ऑप्शन ए विलियम, ऑप्शन बी ग्रेट द अल्फ्रेड, ऑप्शन सी हेरोल्ड, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, विलियम ने उसको यहाँ पे डिफीट किया हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए पे हम करेक्ट करेंगे। 27 क्वेश्चन है, when were the angels and the Saxons first landed in England? इंग्लैंड पे जो ये जो ट्राइब्स थी एंजल्स एंड सैक्शंस, ये फर्स्ट टाइम कब इन्होंने ट्रेवल लैंड किया था इंग्लैंड की धरती पे, या फर्स्ट टाइम ये कब आए थे? ऑप्शन ए मिडिल ऑफ द 4th सेंचुरी, ऑप्शन बी मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी, ऑप्शन सी मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और ये आए थे कब? ऑप्शन बी मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी, क्योंकि 450 का टाइम था जब ये इंग्लैंड पे आए थे। जर्मेनिक ट्राइब्स थे जो कि एंजल्स एंड सैंक्शन के नेम से जाने जाते थे, और ये फर्स्ट टाइम मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी में इंग्लैंड पे लैंड किया था। 28, 29 and 30 क्वेश्चंस रिलेट करता है, ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड से ही है, आपको इसका आंसर देना है। 28 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विच वॉज द लास्ट ऑफ द सैंक्शन किंग्स, लास्ट ऑफ द सैंक्शन किंग्स कौन थे, उनका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए हेरोल्ड, ऑप्शन बी अल्फ्रेड, ऑप्शन सी अल्फ्रेड द ग्रेट, या नन ऑफ दीज। और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए हेरोल्ड वाज द आंसर, जो कि लास्ट सैंक्शन किंग थे। ये सैंक्शन जो किंगडम था या जेंसर जो डायनेस्टी थी उससे बिलोंग करते थे, और दैट वाज हेरोल्ड। Now, 29 क्वेश्चन, द डिडैक्टिक पोएम क्राइस्ट इज रिटन बाय, ये देखिए पोएम का फिर से जिक्र हो गया यहाँ पे। क्राइस्ट पोएम जो थी डिडैक्टिक पोएम थी, रिलीजियस पोएम थी, उपदेशात्मक पोएम थी एक तरीके से, आपको बताना है कि किसने इसको लिखा हुआ है, हु इज द कंपोजर, हु इज द राइटर पोएट ऑफ दिस पोएम, दैट इज सेनेवुल, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी कैडमोन, या ऑप्शन डी है None of these, और answer है option A, Cenewulf is the correct answer. Cenewulf एक important और famous writer थे, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी, इनसे related work को जरूर ध्यान दीजिएगा, जो कि Beowulf के जैसा ही नाम है इसका, Cenewulf, और ये Beowulf जो एक epic poem है, but Cenewulf जो है वो writer थे, वो poet थे इस time के, तो important poet हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, इनका नेम जरूर ध्यान दीजिएगा, उनका वर्क भी ध्यान दीजिएगा, जैसे क्राइस्ट इज इंपॉर्टेंट डिडैक्टिक वर्क ऑफ सेनेवुल्फ। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पैगन लिटरेचर इज डैश है यहाँ पे, पैगन जो लिटरेचर होता है वो किससे बिलोंग करता है, बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन बी डू नॉट बिलीव इन गॉड एंड रिलीजन, ऑप्शन सी बिलीव इन गॉड, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो पैगन जो मीनिंग होता है या लिटरेचर जो होता है वो किससे बिलोंग करता है, वो क्या है, इसमें ये है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, डू नॉट बिलीव इन गॉड एंड
रिलीजन, गॉड एंड रिलीजन पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। इसका आंसर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि बिलीव इन क्रिश्चियनिटी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन डू नॉट बिलीव इन गॉड एंड रिलीजन, और थर्ड है बिलीव इन गॉड। तो ये वही बात कर रहा है जो उन धार्मिक विश्वासों का जो कि विश्व धर्मों में नहीं पाए जाते या विधर्म से रिलेटेड होते हैं, उनको हम पैगन बोलते हैं, पैगन बोला जाता है ये। तो यहाँ पे आपका आंसर बी करेक्ट होगा, जो कि गॉड एंड लिटरेचर में बिल्कुल गॉड एंड रिलीजन में यकीन नहीं करते हैं उस तरीके से, और वैसे वर्क जब लिखे जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पैगन लिटरेचर बोलते हैं। और ओल्ड इंग्लिश टाइम के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क इस तरीके से लिखे गए हैं, और ये एक तरीके से जो गॉड एंड रिलीजन है उसके एग्जिस्टेंस को ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्टिफाई करते हुए ऐसे लिटरेचर लिखे जाते हैं, उनके अस्तित्व को एक तरीके से पूरी तरीके से नकारा जाता है इन जो पैगन लिटरेचर्स के जो लिटरेचर के जो लिटरेरी फिगर्स होते हैं वो। मिडिल इंग्लिश एज से रिलेटेड जो हम बात करेंगे आज इस एमसीक्यू के सेक्शन में, एमसीक्यू के पार्ट में, वो होगा कि वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन थी उसके साथ साथ लिटरेचर का क्या कंडीशन था, लिटरेचर किस तरीके के लिखे गए हैं, उन सब का डिस्कशन आज हम एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और आप अपने पेपर पेन के साथ से लेकर के जुड़ जाइए यहाँ पे ये सेशन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब के इम्पोर्टेंट सेशन में। तो पहला जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन है, इन तीनों पे आंसर करिए आप सभी। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, विच जॉनर ऑफ लिटरेचर रिप्लेस द एपिक ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड। आपको बताना है कि कौन सा जॉनर ऐसा था, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग दैट रिप्लेस्ड, या लिटरेचर का कौन सा ऐसा राइटिंग था जिसने एपिक को रिप्लेस किया है मिडिल इंग्लिश टाइम में, क्योंकि बियॉल जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिखे गए थे एपिक पोयम थी, तो उसको किस लिटरेरी जॉनर ने उसको रिप्लेस किया हुआ है। ऑप्शन ए एलेगरी, ऑप्शन बी बैलेड, ऑप्शन सी नॉवेल, या ऑप्शन डी है रोमांस। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है उसको जल्दी से बताइए। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं ऑप्शंस, और इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर। अगर हम उस जॉनर की बात करते हैं तो रोमांस वाज द रोमांस रिलेटेड वर्क्स हैड बीन रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये चिवेलरिक रोमांस होते थे जो कि इस टाइम पे लिखे गए हैं मिडिल इंग्लिश टाइम में, जिसको हम एंग्लो नॉर्मन एज बोलते हैं। ठीक है, उसको एंग्लो नॉर्मन एज भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोइट्री वॉज प्रीडोमिनेंट इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड में किस तरीके की पोइट्री का डोमिनेंस था, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए हेरोइक कपलेट है, ऑप्शन बी एपिग्राम है, नैरेटिव पोइट्री या ओड पोइट्री। किस तरीके की पोइट्री का अबाउंडेंस था या प्रीडोमिनेंस था कि इसी तरीके की पोइट्रीज मैक्सिमम लिखी जाती थी मिडिल इंग्लिश टाइम पे, जो कि चौसर का टाइम ड्यूरेशन था। चौसर ने अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स इसी टाइम ड्यूरेशन में लिखे हुए हैं, और उसका करेक्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर टू का, वो हमारा ऑप्शन सी है, मींस नैरेटिव पोइट्रीज। ठीक है, नैरेटिव पोइट्रीज जो होती थी वो लिखी जाती थी मिडिल इंग्लिश पीरियड में, मींस उनका डोमिनेंस था लिटरेरी जॉनर पे और स्पेसिफिकली पोइट्री पे। ठीक है, तो वो नैरेटिव पोइट्रीज होती थी, नैरेशन के फॉर्म में पोएम्स लिखी जाती थी। सिवेलरिक, जिसे हमने यहाँ पे बात की कि रोमांस रिलेटेड जो लिटरेचर था उसको रिप्लेस किया था एपिक को रिप्लेस करके रोमांस लिटरेचर रिलेटेड, तो रोमांटिक जो वर्क्स थे या रोमांस रिलेटेड सिवेलरिक जो वर्क्स थे वो नरेशन के फॉर्म्स में होते थे, स्टोरी को डिस्क्राइब करते हुए पोएम्स लिखी जाती थी। तो इस तरीके के नरेशन के का डोमिनेंस था पोएट्री में मिडिल इंग्लिश टाइम में। नंबर थ्री क्वेश्चन, विच टू फैमिलीज फॉट इन द वॉर्स ऑफ रोजेस। वॉर्स ऑफ रोजेस का भी हम डिस्कशन बात भी करेंगे कि किस ईयर में हुआ था, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये दो फैमिलीज कौन सी थी जो वॉर्स ऑफ रोजेस में इन्वॉल्व थी, उनका नेम बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो आप सभी। पहला है ट्यूडर एंड स्टीवर्ट, ऑप्शन बी यॉर्क्स एंड प्लांटाजेनेट, ऑप्शन सी है यॉर्क्स एंड लेसेंस्टर, ऑप्शन डी है ट्यूडर्स एंड लैंसेस्टर्स। तो वो दो फैमिलीज का नेम बताना है जो वॉर ऑफ रोजेस को जिसने लड़ा था या जिस वो इनमें इन्वॉल्व थी, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि स्क्रीन पे आप सभी के लिए है, 4, 5 and 6 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप मुझे बताइए उसका आंसर। द स्पिरिट ऑफ न्यू लर्निंग इन द ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम द मेडिवल टू द मॉडर्न वाज चीफली द इन्फ्लुएंस ऑफ। जो अगर न्यू लर्निंग का हम बात करते हैं, जो स्पिरिट ऑफ न्यू लर्निंग की बात करते हैं, जो ट्रांजिशनल पीरियड था मेडिवल से लेकर के मिडिल एज से लेकर के मॉडर्न एज तक का टाइम था, तो वो किससे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था? फ्रेंच रेनेशा से, या इटालियन रेनेशा से, जर्मन रेनेशा से, या ऑल द अबव। इसका आंसर आपको बताना है कि जो ट्रांजिशन पीरियड, देखिए इस टाइम में तो बहुत से पीरियड्स थे, स्पेसिफिकली जो इन्फ्लुएंस हुआ था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, इटालियन रेनेशा से। ठीक है, इटालियन रेनेशा से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था ये टाइम ड्यूरेशन, जो कि मिडिल से बात करते हैं, मिडिल एज से लेकर के मॉडर्न एज का जो टाइम ड्यूरेशन था वो ट्रांजिशन पीरियड था न्यू लर्निंग का, और वो इन्फ्लुएंस था मिडिल इटालियन रेनेशा का। नंबर 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, इसका आंसर करिए मुझे। जॉन गोवर्स कन्फ्यूशियो एमांचेस एन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द आर्ट ऑफ लव वाज रिटन इन, किस लैंग्वेज में लिखा गया है जॉन गोवर ने अपना कन्फ्यूशियो एमांचेस? देखिए इससे 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए। जॉन गोवर की वर्क की अगर बात करते हैं, कॉन्फ्यूशियो एमांचेस ये किस ईयर में पब्लिश हुआ है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो 1834 ये आपका वर्क है कि ये इस टाइम पे लिखा गया था, 1834 में लिखा गया था। और इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है, कॉन्फ्यूशियो एमांचेस इज एन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट ऑफ लव वॉज रिटन बाय हूम, तो दैट इज द आंसर ऑफ जॉन गोवर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से बन सकते हैं, स्पेसिफिकली क्वेश्चन से बन सकता है, तो वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अब इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे, जिसको हम बोला जाता है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द आर्ट ऑफ लव, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? लैटिन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो कि इंग्लिश डायलेक्ट था, जिसको पॉपुलराइज किया था स्पेसिफिकली चौसर ने, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखे थे अपने, या एंग्लो सैक्सन डायलेक्ट में लिखा गया था? तो इसका आंसर जो है वो हमारा है इंग्लिश। ठीक है, कन्फ्यूशियो एमांचेस से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हमारा लैटिन फ्रेज हो सकता है, जैसे लैटिन लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, ये इंग्लिश डायलेक्ट में लिखा गया था, जिसको जो रिफाइंड इंग्लिश था मिडिल इंग्लिश मिडिल एज का, तो वो कौन सा रिफाइंड इंग्लिश था? वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश डायलेक्ट बोलते हैं मिडिल इंग्लिश टाइम पे। नंबर 6 क्वेश्चन, विलियम लैंगलैंड की बात हो रही है यहाँ पे। विजन्स और प्रेयर्स इज द ओनली एक्सटेंट पोयम ऑफ, विलियम्स विजन और प्रेयर्स एंड फ्लोमैन इज द ओनली एक्सटेंट पोयम ऑफ, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि विलियम लैंगलैंड अभी मैंने आपको आंसर करा इसका, ये इसके राइटर हैं, ये इनका वर्क है, पोएट है विलियम लैंगलैंड, जिन्होंने विजन ऑफ प्रेयर्स एंड फ्लोमैन ये वर्क लिखा हुआ है मिडिल इंग्लिश टाइम पे, और ये सभी एक तरीके से बात करें मिडिल इंग्लिश टाइम के इम्पोर्टेंट पोएट्स थे, जिसमें ज्योफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर, थॉमस हॉकलीप, ये कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे पोएट्स इसी टाइम ड्यूरेशन में बिलोंग करते हैं। और पोएट्री की बात करते हैं तो पोएट्री वॉज इम्पोर्टेंट जॉनर ऑफ दैट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7, 8 and 9 क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। नंबर 7 क्वेश्चन का आंसर करिए। देयर वाज 3 इंपॉर्टेंट मेडिवल इंस्टीट्यूशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन नॉट वन ऑफ देम। आपको बताना है कि 3 इंपॉर्टेंट जो मेडिवल इंस्टीट्यूशंस थे, उनमें से एक, इन चारों ऑप्शंस में से एक वो नहीं था, आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है फ्यूडलिज्म, शिवालरी और नाइट हेरेंट्री, ऑप्शन सी चर्च, या ऑप्शन डी स्लेवरी, व्हिच वन इज नॉट वन ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, स्लेवरी वाज नॉट वन ऑफ देम। तो यहाँ पे हम इस आंसर का जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन डी है। नंबर 8 क्वेश्चन है, रिचर्ड फर्स्ट वाज नोन एज रिचर्ड डी, लायन हार्टेड, ग्रेट कॉन्करर, या अंग्रेजी। रिचर्ड फर्स्ट को क्या बोला जाता था, उनके साथ में जो एक सबटाइटल जो लगता था वो क्या लगता था? लायन हार्टेड लगता था, या ग्रेट लगता था, कॉन्करर लगता था, जो विश्व विजेता होता है, विजेता इसको बोलते हैं, अंग्रेजी ये लगा था। तो इन चारों ऑप्शंस में से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, ग्रेट, यहाँ पे ग्रेट का ऑप्शन आएगा। रिचर्ड फर्स्ट वॉज नोन एज द रिचर्ड द ग्रेट, ठीक है, ये आंसर है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको आगे सेशन में चलूं,
आपके लिए है कि यहाँ पे हमने अभी कल जो डिस्कस किया था वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, इसके साथ साथ आई बटन पे मिल जाएगा, आप क्लिक करके वो वीडियो जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा। क्योंकि अब हमारा जो सेशन होगा ये प्रैक्टिस सेशन है हमारा, ये हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो एजेस हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जितने प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे नंबर 5th प्रैक्टिस सेट है, आप इसको जरूर वॉच आउट करिए, इससे पहले के प्रैक्टिस सेट भी आप वॉच आउट कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा वीडियो सेक्शन में जा करके, या आपको आई बटन पे उसके लिंक्स मिल जाएंगे तो आप वहां से उसको वॉच आउट कर सकते हो। अब चलिए चलते हैं नंबर 9 क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन जो रहा स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मिडिवल लिटरेचर। मिडिवल लिटरेचर के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से स्टेटमेंट इन चारों ऑप्शंस में से वो इनकरेक्ट है, गलत है, वो बताना है। ऑप्शन ए, एलेगरी वाज फ्रीक्वेंट एंड यूजुअल। द ड्रीम विजन कन्वेंशंस वाज प्रिवेलेंट। चौसर एक्सप्लॉइट्स द ड्रीम विजन कन्वेंशन इन द कैंटरबरी टेल्स। या ऑप्शन डी है, देयर वाज ऑफन एन अंडरकरंट ऑफ मॉरल एंड डिडैक्टिक स्ट्रेन। Which one was incorrect regarding medieval literature? तो वो हमारा ऑप्शन सी होगा, जो ऑप्शन सी ये है ये आंसर सही होगा क्योंकि ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। बाकी के तीनों ऑप्शन सही है कि एलेगोरिकल वर्क्स जिसे फ्रीक्वेंटली लिखे गए हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, ड्रीम विजन कन्वेंशन का जो था एक प्रिवलेंस था इस टाइम ड्यूरेशन में, इसके साथ साथ डिडैक्टिक एंड मॉरल जो स्ट्रेन थी वो आपकी यहाँ पे अंडर करेंट थी, और साथ ही साथ एक्सप्लॉइटेड जो ड्रीम विजन था कन्वेंशन वो ड्रीम कैंटरबरी टेल्स में उसको वो इनकरेक्ट आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, व्हाट वर क्रिश्चियन होली वॉर टू टेक द होली लैंड फ्रॉम द मुस्लिम। आपको बताना है क्रिश्चियंस का होली वॉर कौन सा था जो कि होली लैंड लेने था मुस्लिमों से, मुस्लिम्स से, तो आपको इसमें मिडिल इंग्लिश टाइम का कोई एक इवेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, बेनिफिट ऑफ द क्लर्जी, क्रूसेड्स या इस्लेसियास्टिक्स या जिहाद्स। तो ऑप्शन जिसका इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हमारा होगा, इसको हम क्रूसेड्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10, तो ऑप्शन बी पे आप इसको टिक कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, Whose followers are known as rulers? बहुत important question है, a frequent question है ये, आपका maximum ये पूछा गया है बहुत बारी, repeated question है। तो किसके followers को rulers बोला जाता था, Martin Luther King, option B John Wycliffe, John of Treviso या option D है William Langdon। तो option जो इसमें से correct आएगा बिना किसी हिचक के आप जो answer करोगे वो हमारा option B answer होगा, क्योंकि William, अगर हम बात करते हैं वीकलीफ की, जॉन वीकलीफ की, तो जॉन वीकलीफ एक रिफॉर्मिस्ट थे, ठीक है, और इनके जो फॉलोअर्स थे उनको लोलार्ड्स बोला जाता था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। जॉन वीकलीफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट के एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे, उनसे जुड़े हुए थे, रिफॉर्मिस्ट थे, और वो क्रिश्चियन जो चर्च था या चर्च जो वहाँ पे था उस टाइम पे, उसमें किसी ना किसी तरीके से वो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते थे, उसमें सुधार चाहते थे, और इनके फॉलोअर्स को हम लोलार्ड्स के नेम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए जो कि मैंने मेंशन कर दिया है। नंबर 12 को देखते हैं, ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है, द कंटेंपरेरी ऑफ चौसर हु इज रिगार्डेड द मोस्ट ओरिजिनल एंड पावरफुल प्रोज राइटर ऑफ हिज टाइम इज। आपको बताना है चौसर के जो कंटेंपरेरी थे, किसी ऑथर की बात हो रही है जिनको एक मोस्ट ओरिजिनल और पावरफुल प्रोज राइटर, स्पेसिफिकली क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, प्रोज राइटर बोला जा रहा है, पोएट्री से रिलेटेड नहीं है वो इम्पोर्टेंट राइटर। तो आपको बताना है ओरिजिनल, मोस्ट ओरिजिनल और पावरफुल प्रोज राइटर जो चौसर के टाइम के थे, चौसर के कंटेम्परेरी से उनके समकालीन थे, वो कौन थे, जॉन वीकलीफ, जॉन ऑफ ट्रेविसो, विलियम लैंगलैंड, जॉन रोवर। देखिए इसका जो आंसर होगा आई थिंक ये सी नहीं होगा, क्योंकि विलियम लैंगलैंड की बात करते हैं तो विलियम लैंगलैंड और जॉन गोवर इम्पोर्टेंट ये पोएट्री से रिलेटेड वर्क्स लिखा करते थे, पोएट्स थे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जॉन वीकलीफ ने जो था वो बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, तो इसको एक तरीके से मोस्ट ओरिजिनल और पावरफुल प्रोज राइटर के लिए हम अगर चौसर की कंटेम्परेरी की बात करते हैं तो जॉन वीकलीफ वॉज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हमारे करेक्ट आंसर होंगे। तो ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे ना कि सी को, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 13,
14, 15 स्क्रीन पे है. 13 नंबर क्वेश्चन जो रहा स्क्रीन पे, द पोएट हु वाज बोर्न इन द रेन ऑफ द एडवर्ड थर्ड लिव्ड थ्रू दैट ऑफ द रिचर्ड सेकंड एंड डाइड इन द रेन ऑफ हेनरी फोर्थ वाज. एडवर्ड थर्ड में उस पोएट का जन्म हुआ था. वो अपनी मैक्सिमम जो लाइफ थी उसको स्पेंड किया है रिचर्ड सेकंड के रेन में, उसके रिचर्ड सेकंड जब किंग थे. और इसके साथ साथ जब उनकी डेथ होने वाली थी तो हेनरी फोर्थ वाज द एम्परर ऑफ द इंग्लैंड एट दैट टाइम. तो उस पोएट का आपको नेम बताना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आपसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में पूछ सकता है कि किनके शासनकाल में या किसके रेन में चौसर ने अपनी लाइफ स्पेंड की पूरी स्टार्टिंग टू एंड. तो वो टाइम ड्यूरेशन, वो चौसर्स का सॉरी पोएट्स का नेम या सॉरी एम्परर्स का नेम, वो आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बताना है. तो आप ध्यान दीजिए, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, उसके बाद हेनरी फोर्थ. ओके, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ वर द एम्परर्स. और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो बिना किसी डिले के ऑप्शन बी पे हम चेक करेंगे, क्योंकि जोफ्री चौसर ऐसे पोएट थे जो कि तीन रूलिंग किंग के टाइम ड्यूरेशन पे उनका पूरा स्टार्टिंग टू एंड उनकी लाइफ हुई थी. स्टार्ट जन्म हुआ था किसी और एम्परर के टाइम ड्यूरेशन में, उनका जो मैक्सिमम लाइफ था वो रिचर्ड सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने लिव किया और अपने लिटरेरी वर्क्स को लिखा है. इसके साथ ही साथ उनका जब एंड या डेथ होने वाली थी तो उस टाइम ड्यूरेशन पे हेनरी फोर्थ जो थे वो किंग थे इंग्लैंड के. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 14 क्वेश्चन. विलियम कैनस्टन प्रिंटेड द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश. यहाँ पे प्रिंटेड होगा, प्रिंटेड द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश. नेम द बुक, नेम द बुक, उस बुक का नेम बताना है जिसको विलियम कैनस्टन ने अपने प्रिंटिंग प्रेस में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट करा हुआ है. आंसर आपको देना है द जेंटलमैन ऑफ वेरोना. यहाँ पे टू होगा, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द बाइबल, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय या यूटोपिया. इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आंसर है. ऑप्शन सी पे हम करेक्ट करेंगे. हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय वॉज द बुक विच वॉज पब्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज, विच वॉज द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड इन English language by the William Kingston. Number 15, the Black Death that swept over England when Chaucer was about 9 years old is another name for. आपको बताना है कि जब चौसर की एज 9 years की थी तो उस टाइम ड्यूरेशन में Black Death जो था उसको इंग्लैंड में चारों तरफ फैल चुका था. आपको उसका अनदर नेम बताना है, मींस दूसरा नेम. ब्लैक डेथ को किस नेम से जानते हैं हम, जिसको ब्लैक डेथ बोला जाता है उसका दूसरा नाम क्या है वो बताना है. द ग्रेट प्लेग, द ग्रेट फ्लड, द ग्रेट ड्रॉट या द ग्रेट रिवोल्ट. और आंसर ऑप्शन ए है, द ग्रेट प्लेग. प्लेग को ब्लैक डेथ बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. जब चौसर की एज 9 ईयर्स की थी तो प्लेग जो थी एक महामारी थी, जैसे पैंडमिक, अभी कोरोना COVID-19 ये पैंडेमिक है चल रहा है या धीरे धीरे अभी अपने खत्म होने की कगार पे है. तो उस टाइम पे चौसर के टाइम पे जब वो 9 इयर्स के थे तो उस टाइम पे प्लेग बहुत एक पैंडेमिक था जो चारों तरफ इंग्लैंड के फैल चुका था, उसको ब्लैक डेथ के भी नेम से जानते हैं, उसके साथ साथ द ग्रेट प्लेग के नेम से भी जानते हैं. ओके, नंबर 16, 17, 18 क्वेश्चन है. 16 नंबर क्वेश्चन है, इन चौसर्स टाइम द पीजेंट रिवोल्ट, 1381 में पीजेंट रिवोल्ट हुआ है, रिजल्टेड इन, किस वजह से हुआ है, डिथ्रोनमेंट ऑफ द किंग, डेमोलिशन ऑफ चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन, एंड ऑफ सर्वडम या राइज ऑफ नेशनलिज्म. तो इसका ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी पे आप इसमें टिक कर लीजिए. 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हु इज सपोज टू बी द ऑथर ऑफ द फ्रेंच ट्रैवल मेमोयर, द ट्रैवल ऑफ सर जॉन मैंडेविले. ये ट्रैवल जो मेमोयर है, फ्रेंच ट्रैवल मेमोयर, इसके ऑथर कौन है, इसका नेम बताइए आप. और उस वर्क का नेम है, ट्रैवल मेमोयर का जो नेम है, द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविले. तो आंसर है जोफ्री चौसर, डीन जी बर्जोन या आपका जॉन मैंडेविले या जॉन गोवर. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. जॉन मैंडेविले इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने ट्रैवल मेमोयर लिखा है. और ट्रैवल मेमोयर आप ध्यान दीजिएगा, इनका नेम भी इस नेम में, इस वर्क में मेंशन है, उनके ट्रैवल मेमोयर में मेंशन है. और ट्रैवल मेमोयर क्या होता है, हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो उसकी मेमोरीज को या जो चीजें हम वहाँ पे देखते हैं, जो हम एक पॉजिटिविटी या एक एंथुसियाज्म लेके आते हैं उस ट्रैवल से, तो उसको
मेमोरी के वे में, उसको एक बुक के वे में या उसको एक मेमोरियल के वे में प्रेजेंट करना रीडर्स के सामने, वो हमारा ट्रेवल मेमोर होता है और वो हम खुद ही उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारा जॉन मैंडविले ही होगा। ओके, नंबर 18 क्वेश्चन है, द पोएट नोन एंटायरली फॉर ब्रूस द सुप्रीम नेशनल पोएम ऑफ स्कॉटलैंड इज, ऑप्शन बी जॉन बॉर्बर इज द करेक्ट आंसर। फॉर ब्रूस द सुप्रीम नेशनल पोएम ऑफ स्कॉटलैंड, उस पोएट का नेम क्या है, ये है ब्रूस द पोएम, तो उनका नेम है सन जॉन बॉर्बर। नेक्स्ट नंबर 19, Which of the following took place during 1455 to 1487? अब आपको बताना है इस टाइम ड्यूरेशन में कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था मिडिल इंग्लिश टाइम में, या इंसिडेंट हुआ था मिडिल इंग्लिश टाइम पे जो कि बहुत पॉपुलराइज था। अगर हम एक पॉलिटिकल सोशल व्यू की बात करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं, तो इसका एक तरीके से इस इवेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है मिडिल इंग्लिश टाइम में, तो वो कौन सा था, वॉर ऑफ रोजेस, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, पीजेंट रिवॉल्ट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, जो हमने वॉर ऑफ रोजेस की बात की थी, जो यॉर्क्स एंड लैंसेस्टर के बीच में लड़ा गया था, ये दो फैमिलीज इन्वॉल्व थी इस वॉर में, तो वो 1455 से 1487 के मिड में ये वॉर ऑफ रोजेस हुआ था। नेक्स्ट नंबर 20 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, व्हेन डिड हेनरी सेवन द पैट्रॉन ऑफ एजुकेशन केम टू थ्रोन, थ्रोन पे हेनरी सेवन का आगमन कब हुआ था, 1456, 1468, 1473, 1485 फर्स्ट ट्रांसलेशन की बात करें बाइबल का इंटू इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो किसने ट्रांसलेट किया था, उसको रिगार्ड किया जाता है थॉमस मोर, जॉन विक्लिफ, कैंडेल या विलियम लैंगलैंड, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभी हमने इनके बारे में बात की थी कि मोस्ट ओरिजिनल और पावरफुल प्रोज राइटर की बात करते हैं तो जॉन विक्लिफ वॉज दैट मैन। नंबर 22-23 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, फोर एनोनिमस पोएम्स, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोर एनोनिमस पोएम कंटेन्स वन मैनुस्क्रिप्ट ऑफ अबाउट 1370 वर फाउंड व्हिच गिव अस गुड एग्जांपल ऑफ मेडिवल एलिगरीज, Which of the following is not one of them? Medieval allegories से related four anonymous poems की आपको बताना है उस manuscript में कौन सी इन चारों options में से नहीं है, इसका answer देना है। Sir John, Sir Bowens and the Green Knight, option में Patience, option C Pearl, option D Pardon। तो इसका जो correct answer है वो हमारा Pardon, option D है। This was not one of the four anonymous poems जो 1730 के manuscript में मिली थी और वो medieval allegories का एक good example है। तो Sir Gawain and the Green Knight, Patience and Pearls were there that. Next number 23 we have, which of the following was characteristic feature of medieval literature? Medieval literature की characteristic feature के बारे में आपको बताना है इस चारों options में से। तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, ऑप्शन ए लार्ज बॉडी ऑफ पर्सनल लिटरेचर, रियलिज्म इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, एब्सेंस ऑफ एलिटरेशन इन पोएट्री, द पावर पॉपुलर जॉनर ऑफ द बर्ड एंड द बीस्ट फेबल। आपको बताना है कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है मिडिवल लिटरेचर का, और वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। मिडिवल लिटरेचर में बर्ड एंड बीस्ट फेबल्स का बहुत ज्यादा ये जॉनर का पॉपुलराइजेशन था, जो कि बस बर्ड एंड बीस्ट लाइक एनिमल्स जो थे उनको ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स में जो था वो इन्वॉल्व किया जाता था, उनको एक तरीके से इमिटेट किया जाता था। तो इस जॉनर का बर्ड एंड बीस्ट फेबल का बहुत ज्यादा पॉपुलराइजेशन था, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मिडिल इंग्लिश टाइम की या मिडिवल लिटरेचर की। नंबर 23 के बाद 24 क्वेश्चन है, व्हेन द नॉर्मन्स डिफीटेड द एंग्लो-सैक्सन किंग एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन सीधा घुमा करके थोड़ा पूछ लिया गया है कि नॉर्मन्स को जो नॉर्मन्स ने कब डिफीट किया एंग्लो-सैक्सन को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में, और वो था 1066 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा 1066।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25th. द रोमांस ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड वॉज मोस्टली बोरोड फ्रॉम ऑप्शन ए लैटिन फ्रेंच एबीसी या नन ऑफ दिस. ऑप्शन सी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है. तो यहाँ पे जो मिडिल इंग्लिश का रोमांस था वो लैटिन और फ्रेंच दोनों लिटरेचर से बोरो किया गया था. तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ वुड बी द करेक्ट आंसर. नंबर 26. विच प्ले फ्लरिस्ट थ्रू आउट इंग्लैंड फ्रॉम द रेन ऑफ हेनरी सेकेंड टू दैट ऑफ एलिजाबेथ. किस तरीके के प्लेस का जो फ्लरिस्ट था, किस तरीके के प्लेस का इंग्लैंड में हेनरी सेकेंड के टाइम से लेकर के एलिजाबेथ के टाइम तक का एक तरीके से आप कह लो कि उस तरीके के प्लेस लिखे जाते थे, और वो कौन से थे, मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस या बोथ ए बी एंड बी या नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा, इस पे हम ऑप्शन बी पे टिक करेंगे. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि मोरालिटी प्लेस थे जो हेनरी सेकेंड के टाइम से लेकर के एलिजाबेथ के टाइम तक ये ऐसे वर्क्स लिखे गए हैं. आप मोरालिटी प्लेस की बात करो तो हमारे पास क्रिस्टोफर मार्लो का एग्जाम्पल है, जिनका डॉक्टर फास्टस, टैम्बरलेन, ये ऐसे मोरालिटी प्लेस हैं जो कि उस एलिजाबेथन टाइम में भी लिखे गए हैं. और मिडिल इंग्लिश टाइम में तो मिरेकल मोरालिटी और मिस्ट्री प्लेस का अबाउंडेंस था. मेडिवल ड्रामा इन्हीं तीन तरीके के ड्रामास को बेस्ड ऑन थे. इसी तरीके के ड्रामास इस टाइम ड्यूरेशन में मिडिल इंग्लिश एज में लिखे जाते थे, लेकिन मोरालिटी प्लेस था जो कि मिडिल से स्टार्ट होकर के ये एलिजाबेथन एरा तक चला है. और इस तरीके का प्लेस बहुत से राइटर्स, बहुत से ड्रामेटिस्ट, जैसे यूनिवर्सिटी बुक्स के राइटर्स ने भी लिखा हुआ है. तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. नंबर 27 क्वेश्चंस. अ विजन, अ पोएम, अ विजन ऑफ पियर्स एंड क्रोमैन वाज रिटन बाय. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली आपसे ये पूछा जाता है, आपको इसका आंसर पक्का पता होगा. तो ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे, वो है हमारा विलियम लैंगलैंड. ओके, एक एलिगोरिकल वर्क है, विजन रिलेटेड पोएम है. तो विजन ऑफ पियर्स एंड क्रोमैन वाज रिटन बाय विलियम लैंगलैंड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एंड ये पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी दीजिए अगर आप जानते हो तो. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस. जॉन गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड कौन सा इसमें जो रिजल्ट है उसका परिणाम क्या है वो आपको बताना है. विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो अगर आविष्कार की बात करते हैं तो जॉन गुटेनबर्ग का नेम आता है उसमें. तो आपको इसका आंसर देना है, एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ लैटिन, द राइटिंग ऑफ द बुक्स इन वर्नाकुलर, एन अबैंडनमेंट ऑफ मूवेबल टाइप टेक्नोलॉजी, एंड द स्प्रेडिंग ऑफ द न्यूली रिटन वर्ड्स ऑफ द मैग्ना कार्टा. तो ये जो जॉन गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस था ये एक मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस था. ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है कि इस क्वेश्चन में के रिगार्डिंग कौन सा आंसर सही है. एंड आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे, द राइटिंग ऑफ द बुक्स इन वर्नाकुलर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस जो कि एक मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस था. अगर हम बात करते हैं कैंगस्टन प्रिंटिंग प्रेस से की रिलेटेड तो वो मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस नहीं था. ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है यहाँ पे हमारा, विच ऑफ दीज बुक्स डिस्क्राइब रेनेशा कोर्ट लाइफ एंड बिहेवियर. इन चारों ऑप्शंस में से रेनेशा कोर्ट लाइफ और बिहेवियर को कौन सी बुक डिस्क्राइब करती है, आंसर बताइएगा. कास्टिलियंस द कोर्टियर्स, मैकियावेली द प्रिंस, ऑगस्टाइन सिटी ऑफ गॉड, वोकासियोस डेकामेरॉन. विच वन इज द करेक्ट आंसर. जो कि पुनर्जागरण से रिलेटेड कोर्ट लाइफ जो होती है और साथ ही साथ बिहेवियर क्या है उसको डिस्क्राइब करते हुए जो बुक लिखी गई है उसका आंसर है ऑप्शन सी, अगस्टाइन सिटी ऑफ गॉड इज द करेक्ट आंसर. जबकि ये सभी बुक्स जो है वो इंपॉर्टेंट बुक्स है रेनेशा टाइम की, बट जो कोर्ट लाइफ और बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है रेनेशा पुनर्जागरण काल का वो है अगस्टाइन का सिटी ऑफ गॉड. तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नंबर 3 भी है, वी नो दैट वर्ड रेनेशा मीन्स रीबर्थ, बट फ्रॉम वॉट लैंग्वेज इट इज ट्रांसलेटेड. आपको बताना है कि रेनेशा का जो मीनिंग होता है वो रिबर्थ है, जो इंग्लिश मीनिंग उसका होगा रेनेशा का, लेकिन इसका ओरिजिनल जो वर्ड है रेनेशा ये किससे ट्रांसलेट होकर के आया है, रिबर्थ किससे ट्रांसलेट होकर आया है, उस लैंग्वेज का नेम बताना है, लैटिन, फ्रेंच, ओल्ड इंग्लिश या इटालियन. इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो है हमारा ऑप्शन बी, फ्रेंच वर्ड. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. रेनेशा मीन्स रिबर्थ एंड रेनेशा जो लैंग्वेज है, जो वर्ड है, इट इज अ फ्रेंच वर्ड. ओके, फ्रेंच वर्ड है
जो कि रिनेशा के नेम से हम जानते हैं, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रीबर्थ, मीन्स पुनर्जन्म। नंबर 4 and 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 4 क्वेश्चन का आंसर करिए। व्हाई डिड द रिनेशा बिगेन इन इटली, बिगिन क्यों हुआ है, ये रिनेशा की जो शुरुआत थी वो इटली में ही क्यों हुई है, इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है, ट्रेड हैपेंड बिकॉज इटली इज इन मेडिटेरियन सी विच सपोर्टेड द रिनेशा। ऑप्शन बी, द चर्च वॉज सेंटर्ड इन इटली एंड हेल्प ऑर्गेनाइज रिनेशा आइडियाज। ऑप्शन सी, इटली हैड ट्रेड विच कॉज मोर रिलीजियस आइडियाज टू स्प्रेड। ऑप्शन डी, इटालियन आर्टिस्ट ट्रेवल्ड एंड स्पोक ऑल थ्रू यूरोप स्प्रेडिंग देयर न्यू आइडियाज। तो रिनेशा का जो नेचर था, रिनेशा जो इटली में बिगन हुआ, उसका सबसे मेन रीजन यही था, ऑप्शन ए, क्योंकि जो ट्रेड हुआ वो इटली में होना संभव हुआ, और वो क्योंकि मेडिटेरियन जो सी था इटली में था, एंड जिसने इटली ने रिनेशा को सपोर्ट किया, एंड बिकॉज ऑफ ट्रेड ये इटली में संभव हुआ, और उसके साथ ही साथ अदर पार्ट ऑफ यूरोप में भी ये फैल गया। ठीक है, इसका जो स्प्रेड हुआ वो अदर पार्ट ऑफ यूरोप में भी हुआ, तो इसी वजह से ट्रेड को सपोर्ट करता था मेडिटेरियन सी की वजह से इटली, एंड दैट्स व्हाई दिस हैपेंड इन इटली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, हु क्रिएटेड द फेमस वर्क इन प्रेज ऑफ फॉली दैट मॉक्ड सर्टेन चर्च प्रैक्टिसेस। सर्टेन चर्च प्रैक्टिसेस को मॉक करते हुए, उसका उपहास उड़ाते हुए, जो चर्च में रूल रेगुलेशंस थे या जो रूल चीजें होती थी वहां पे, प्रैक्टिसेस जो हुआ करते थे, उसको मॉक करते हुए प्रेज ऑफ फॉली नाम का एक वर्क लिखा गया है, फेमस वर्क लिखा गया है। आपको बताना है किसने इसको लिखा हुआ है, दांते मिलिएंटिस, डेसिडेरियस एरास्मस, कॉस्मिडी एरास्मस या डोनिटेलो, विच वन इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, डेसिडेरियस एरास्मस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, जिन्होंने प्रेज ऑफ फॉली लिखी है, जो कि मॉक करता हुआ, एक उपहास करता हुआ, उपहास उड़ाता हुआ वर्क है रिलेटेड टू चर्च प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन, जो कि 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला 6 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब बेसिक आइडिया कंटेन्स इन सर थॉमस मोर्स यूटोपिया वॉज। यूटोपिया को हम रिनेशा वर्क काउंट करते हैं, क्योंकि इसमें एक रिनेशा आइडियोलॉजी से रिलेटेड ये वर्क लिखा गया है, थॉमस मोर का वर्क है। आपको बताना है कि कौन सा बेसिक आइडिया इस वर्क में, इस बुक में आपको देखने को मिलेगा थॉमस मोर की, जिसका नेम है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब है एन आइडियलाइज्ड इमेजिनरी प्लेस, एक बहुत ही आदर्शात्मक काल्पनिक शहर, काल्पनिक आइलैंड की बात हो रही है यूटोपिया में, जिसका नेम होता है, इसका मीनिंग होता है यूटोपिया। इसमें बताना है बेसिक आइडिया क्या है। ऑप्शन ए, एविल एग्जिस्ट बिकॉज मेन एंड वेमेन आर बेसिकली करप्ट। ऑप्शन बी, पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट लर्न हाउ टू मैनिपुलेट देयर सब्जेक्ट्स एंड सोशल ऑर्डर इज ओनली एन अनअटेनेबल आइडियाज, ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है, करप्शन एंड वॉर आर ड्यू टू एक्यूजिटिवनेस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कौन सा बेसिक आइडिया जो मूर की यूटोपिया में आपको मिलता है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है, ये, दिस इज द करेक्ट आंसर। करप्शन एंड वॉर आर ड्यू टू एग्जीक्यूटिवनेस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, दिस इज द बेसिक आइडिया कंटेंट्स इन द मोरे थॉमस मोर्स यूटोपिया वी हैव। नंबर 7 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट रिनेशा आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट और राइटर। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आपको बताना है इसमें से कौन सा रिनेशा आर्टिस्ट या आर्किटेक्ट या राइटर नहीं है। ऑप्शन ए, लियोनार्डो द विंची। ऑप्शन बी, राफेल। ऑप्शन सी, लोरेंजो डी मेडिक या ऑप्शन डी है, माइकल एंजेलो। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन सी आएगा, लियोनार्डो डी मेडिक इज नॉट वन ऑफ द आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट और राइटर वी हैव इन रिनेशा। बाकी लियोनार्डो डी विंची, राफेल की बात करते हैं, माइकल एंजेलो की बात करते हैं, तो ये सभी हमारे जो है रिनेशा जो एक पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इनकी बात करते हैं हम, तो ये सभी चारों की यहाँ पे बात हुई। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 का, तो ऑप्शन सी 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट है। नंबर 8 है, विच वॉज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिनेशा। रिनेशा मूवमेंट का मेजर कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है, बहुत बारी आपने इसको पढ़ा भी है। ऑप्शन ए, कन्फॉर्मिटी। ऑप्शन बी, मिस्टिसिज्म। ऑप्शन सी, ह्यूमैनिज्म। ऑप्शन डी, ओबीडियंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं, जो कि ह्यूमन इंटरेस्ट से रिलेटेड बात होती है।
कि सबसे पहले कौन आता है, वो ह्यूमन आता है, ह्यूमन इंटरेस्ट आता है, तो ह्यूमनिज्म उसी से रिलेट करता है। और एक रिनेशा की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, विशेषता की बात करें, तो वो हमारा ह्यूमनिज्म है। क्योंकि इससे पहले क्या था कि चर्च जो सबसे सर्वे सर्वा था या पोप सर्वे सर्वा था, ठीक है, ह्यूमन इंटरेस्ट की बात नहीं होती थी। ह्यूमन जो इंटरेस्ट था वो कहीं रिलीजन के आगे दबा पड़ा था, सप्रेस था। एंड इसी वजह से जब रिनेशा हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि लोगों की समझ में आने लगा कि सबसे पहले हमें अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए, ह्यूमनिज्म की बात करनी चाहिए, ह्यूमन इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि रिलीजन या पोप से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर को हमें सबसे सर्वोपरि रखना चाहिए। हमें अपनी, हम कैसे लाइफ में हैं, हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, हम आगे लाइफ में कैसे बढ़ सकते हैं, इस चीज को रिनेशा मूवमेंट ने सिखाया लोगों को। एंड दैट्स व्हाई ह्यूमनिज्म वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, मेजर कैरेक्टरिस्टिक वी कैन से इन द रिनेशा टाइम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 9, 10 एंड 11 क्वेश्चन है यहाँ पे। What was the period of time in Europe called that happened before the Renaissance? English Inspiration Club channel पे हमारा 9 number question है जो कि आज हम discuss कर रहे हैं, MCQs on Renaissance। तो आपको बताना है कि कौन सा period of time था यूरोप में जो कि Renaissance के पहले हुआ है, Renaissance होने के पहले का कौन सा वो time था। The Golden Age, option B the Age of Glory, Middle Ages या Grey Years। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इससे पहले हमारा जो था वो मिडिल एज की बात करते हैं, मिडिवल लिटरेचर की बात करते हैं और मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात होती है। इसी को मिडिल एज बोला जाता है क्योंकि ओल्ड इंग्लिश पीरियड सबसे पहले था, उसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड आया और उसके बाद यहाँ पे रिनेशा हुआ। रिनेशा में ही हम एलिजाबेथन एरा को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का नंबर करेक्ट होगा कि मिडिल एज, जिसमें चौसर को हम जानते हैं, वन ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर पोएट वी कैन सी ऑफ दिस एरा, जो बिलोंग करते हैं इसी एरा से। ऑप्शन नंबर 10 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाउ वॉज ह्यूमनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वे मोस्ट पीपल थॉट बिफोर द रिनेशा? कैसे रिनेशा का जो ह्यूमनिज्म था वो रिनेशा के पहले के ह्यूमनिज्म से किस तरीके से डिफरेंस था जो लोग सोचते थे, आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए, इट थॉट दैट लाइफ कुड बी नाइस। ऑप्शन बी, इट सेड दैट लाइफ डिड नॉट हैव टू बी ऑल वर्क। ऑप्शन सी है, इट सेड दैट ह्यूमंस कुड एंजॉय कंफर्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। जो ह्यूमनिज्म था रिनेशा के पहले का वो किस तरीके से डिफरेंट था कि ये सब चीजें थी कि हाँ लाइफ नाइस हो सकती है और लाइफ डिड नॉट हैव टू बी ऑल वर्क, मीन्स हमें काम नहीं इतना करना चाहिए और अपने एंजॉय को, कंफर्ट को एंजॉय कर सकता है ह्यूमन, ये सब चीजें थी। बट यहाँ पे आगे ह्यूमनिज्म का जो चेंजेस हुआ कि ह्यूमन इंटरेस्ट की बात होने लगी, सबसे पहले रिलीजन से, पोप से पहले ह्यूमन को आगे रखा गया। अब अपने बेसिस पे हम पढ़ के जो ट्रांसलेशन हुए हैं बाइबल के या रिलीजियस बुक्स के, उसको खुद से पढ़ करके बिना किसी अंधेरे में रहे हुए या बिना किसी को फॉलो करे हुए हम खुद उस चीज को पढ़ सकते थे। ये टाइम था ह्यूमनिज्म का जो कि रिनेशा में हुआ और ये कहीं ज्यादा अलग था उस ह्यूमनिज्म से जो कि रिनेशा के पहले का था। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अराउंड वॉट ईयर डिड रिनेशा बिगिन? आपको बताना है कि क्या टाइम ड्यूरेशन था ऐसा जब रिनेशा का बिगिनिंग हुआ था, उस टाइम को आपको बताना है, उस ईयर को बताना है। 1066, 1253, 1400 या 1550? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि 15th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही 1400 के आसपास इसका बिगिनिंग हुआ था रिनेशा का, और इटली में फर्स्ट टाइम ये बिगिन हुआ था, जिसका मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल इन लर्निंग, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स। इन एवरी एस्पेक्ट यू कैन से देयर वाज अ काइंड ऑफ रिवाइवल और रीबर्थ, ओके, दैट इज कॉल्ड रिनेशा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे, 12, 13 एंड 14 नंबर क्वेश्चन। आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का, फ्रॉम व्हाट एंशियंट सिविलाइजेशन डिड पीपल इन इटली गेट द आइडिया फॉर ह्यूमनिज्म? रोमन्स एंड ग्रीक्स, ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस एंड इजिप्शियन एंड
चाइनीज एंड पर्शियंस. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा. रोमन्स एंड ग्रीक से जो एंशियंट सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे था, ह्यूमनिज्म का जो आइडिया था इटली में, वो रोमन्स एंड ग्रीक एंशियंट सिविलाइजेशन इन कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ था. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर्टिस्ट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट रेनेशा पेंटर. फर्स्ट रेनेशा पेंटर किसे बोला जाता है, आपको उसको आंसर देना है. ऑप्शन ए जियेटो, ऑप्शन बी है दिविंची, लियोनार्डो दिविंची की बात हो रही है यहाँ पे. और सेकेंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन सी माइकल एंजेलो या ऑप्शन डी राफेल. हु इज नोन एज द फर्स्ट रेनेशा पेंटर वी कैन से ऑफ द रेनेशा टाइम. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन ई. ओके, जियेटो, जियेटो इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा. देखिए कभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन होता है, बट इन चारों ऑप्शंस में से अगर हम बात करते हैं द विंची, माइकल एंजेलो एंड रैफेल की, तो जियेटो इज वन हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट रेनेशा पेंटर. एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट मेड रेनेशा पेंटिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड ऑफ आर्ट. प्रीवियस पीरियड ऑफ आर्ट की बात करते हैं तो रेनेशा की पेंटिंग वो कैसे अलग थी प्रीवियस पीरियड ऑफ आर्ट से. इट वॉज वेरी एब्स्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट्स वर पेंटेड एज दे अपीयर्ड इन नेचर, एम्फेसिस वॉज ऑन सिंबलिज्म नॉट रियलिज्म या ऑल द एबव. तो इस पे आंसर हमारा ऑल द एबव आएगा. चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है तीनों आपके, कि जो पहले की पेंटिंग थी रेनेशा के पहले की उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हुआ करती थी और सब्जेक्ट्स जो होते थे जो नेचर में दिखा करते थे, मीन नेचुरल जो ब्यूटीज होती थी उसको पेंट करते थे पेंटर. और इसके बाद का क्या था कि सिंबोलिज्म पे ज्यादा फोकस किया गया रादर देन रियलिज्म. लेकिन जो रेनेशा के बाद का जो पेंटिंग हुआ या पेंटर्स जो आए उन्होंने क्या किया, या रेनेशा के टाइम के जो पेंटर्स थे जो रेनेशा में पोएट्री के थ्रू अपनी बात को, पेंटिंग के थ्रू अपनी बात को कहते थे, वो क्या था, वो रियलिस्टिक पेंटिंग किया करते थे. साथ ही साथ उसमें क्या था, वो नेचर की जगह पे वो कॉमन पीपल या ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमनिज्म से रिलेटेड पेंटिंग्स को किया करते थे, जिसमें ह्यूमन के सफरिंग्स को, उनके इंटरेस्ट को, और किस तरीके से रिलीजन जो था या पोप जो थे वो कैसे सप्रेस कर रहे थे लोगों को, उसके बारे में वो पेंट किया करते थे. और अपनी पेंटिंग के थ्रू ही वो अपनी जो रेनेशा की एक आइडियोलॉजी थी, आइडियाज थे, उसको वो वहां पे इम्प्लीमेंट किया करते थे, उसको वो पिक्चराइज करते थे अपनी पेंटिंग्स के थ्रू. तो ये था रेनेशा पेंटिंग में डिफरेंस, जो कि प्रीवियस ऑफ आर्ट में देखोगे जहां पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हुआ करती थी, और उसके साथ ही साथ उस टाइम पे रेनेशा के पहले की जो पेंटिंग्स हुआ करती थी उसमें नेचुरल जो पेंटिंग्स हुआ करती थी उसको लोग पेंट करते थे, नेचुरल ब्यूटी को. इसके साथ ही साथ सिंबोलिज्म से रिलेटेड पेंटिंग्स हुआ करती थी, रियलिटी का कहीं भी लेना देना नहीं हुआ करता था. जो ब्यूटी, एस्थेटिक ब्यूटीज हुआ करती थी उससे रिलेटेड पेंटिंग्स हुआ करती थी रेनेशा के पहले की जो पेंटिंग्स थी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑल द अबव होगा, कि ये चीजें हुआ करती थी जो रेनेशा के पहले की पेंटिंग्स में हम देखते थे. अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 15, 16 एंड 17 क्वेश्चन. और 15 क्वेश्चन का यहाँ पे करते हैं, रेनेशा ह्यूमनिज्म रिप्रेजेंटेड दोज हु वांटेड टू सेपरेट चर्च एंड स्टेट, सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, रिजेक्शन ऑफ गॉड एंड फोकस ऑन ह्यूमैनिटी, अलीड मेडिवल एस्थेटिक मूवमेंट. तो यहाँ पे जो है रेनेशा ह्यूमनिज्म क्या था, दोज हु वॉन्टेड टू सेपरेट चर्च एंड स्टेट, ये था. स्टेट में क्या था, ह्यूमन स्टेट की बात हो रही थी. अब यहाँ पे स्टेट में ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन जो एक आप कह लो राइट्स थे उसके बारे में बात हुई, उसके उनके अधिकारों के बारे में बात हुई, ये ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट था. और यही था रेनेशा का ह्यूमनिज्म, कि वो क्या करते थे, किसको रिप्रेजेंट करते थे, वो लोग जो कि सेपरेट चर्च और स्टेट को चाहते थे, कि चर्च के अपने अलग उनके चीजें हो, उनका अलग अपना कॉन्सेप्ट हो चर्च का, मीन्स चर्च जहां तक होना चाहिए उसकी बाउंड्री रिलीजन तक वहीं तक सीमित होनी चाहिए, स्टेट के अफेयर्स में चर्च का या पोप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए. ये था हमारा ह्यूमनिज्म जो रिप्रेजेंट करता था रेनेशा टाइम में. नंबर 16 क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस. देखिये मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस की अभी हमने बात की थी, किसने इन्वेंट करा हुआ है, थॉमस मूर, मार्टिन लूथर, जॉन वैन एक या गुटेनबर्ग. तो यहाँ पे जॉन गुटेनबर्ग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है.
नंबर 17 विलियम कैनस्टन प्रिंटेड द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश इन 1474 आइडेंटिफाई द बुक उस बुक का नेम बताइए जिसको 1474 में कैनस्टन ने विलियम कैनस्टन ने प्रिंट करा था इंग्लिश में वो थी बुक ऑप्शन बी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसके साथ साथ ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार मेंशन कर देती हूँ क्योंकि ह्यूमनिज्म की बात आ रही है तो ये जरूरी है आपके लिए जानना कि ह्यूमनिज्म एग्जैक्टली होता क्या है तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 19 एंड 20 वी हैव ऑन द स्क्रीन 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी हु इज कंसिडर्ड एज द मॉडल ऑफ इंग्लिश पीपल ड्यूरिंग रेनेशा ग्रीक एंड ऑस्ट्रियन रोमन एंड फ्रेंच रोमन एंड ग्रीक एंड फ्रेंच एंड ग्रीक चारों ऑप्शन में से रेनेशा के टाइम में लोग किसे अपना मॉडल एक तरीके से कंसीडर करते थे कि उनसे रिलेटेड जो सिविलाइजेशन थी जो अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था या उनका आर्ट जो कल्चर था ट्रेडिशन था उसको लोग फॉलो करते थे उसको एज अ मॉडल अडॉप्ट करते थे तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट आंसर होगा जो कि रोमन्स एंड ग्रीक थे ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नंबर 19 यूटोपिया वॉज रिटन बाय यूटोपिया किसने लिखा हुआ है तो इसका आंसर ऑप्शन डी है नंबर 20 की बात करेंगे थॉमस मूर ने यूटोपिया लिखा हुआ है यूटोपिया कब पब्लिश हुआ था 1516 में पब्लिश हुआ है ठीक है फर्स्ट टाइम कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था और किसने इसको लिखा था आप सभी जानते हो थॉमस मूर ने लिखा था ठीक है और इसके साथ ही साथ अगर हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वो ट्रांसलेशन क्या है उसका बताइए आप मुझे किस ईयर में ट्रांसलेट हुआ था यूटोपिया तो ये जब जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था इसका यहां पे मेंशन कर दे रही हूं इंग्लिश ट्रांसलेशन हैपेंड इन 1551 ओके 1551 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में और उसके पहले जो ट्रांसलेशन था वो मींस उसके पहले जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी इसकी वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी और 1516 में ये पब्लिश हुई थी तो ये हमारे करेक्ट आंसर होंगे इसका ठीक है तो आप इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए अगला क्वेश्चन करते हैं नंबर 20 क्वेश्चन इन द रेनेशा पीरियड विच फैक्टर वॉज एम्फसाइज्ड बाय द फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म सुपीरियर देखिए ह्यूमनिज्म की बहुत बातें हो रही है यहाँ पे तो ह्यूमनिज्म इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रेनेशा और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेनेशा पीरियड में कौन सा फैक्टर था जिसने फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म को एम्फेसाइज किया था ऑप्शन ए सुपीरियरिटी ऑफ मिडिवल थॉट डिवोशन टू रिलीजन वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिज्म या ओबीडियंस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा क्योंकि वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिज्म की बात हुई इंडिविजुअल की बात हुई कि लोग जो एक इंडिविजुअल था या इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसके बारे में बात हुई उसकी वैल्यूज के उसके इंटरेस्ट के बारे में बात हुई उसके बेनिफिट्स के बारे में बात हुई और इसी वजह से ये एक एम्फसाइज किया इस फैक्टर ने फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नंबर 21 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर वाज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑफ द रेनेशा पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की बात हो रही है बाकी सभी यहाँ पे जो ऑप्शंस देंगे दिए गए हैं आप ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शंस पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की बात हो रही है कौन सा पॉलिटिकल थ्योरिस्ट था रेनेशा का जो कि इन चारों ऑप्शंस में से है ऑप्शन ए निकोलो मैकावेली ऑप्शन बी फ्रांसिस्को पेट्रार्क ऑप्शन सी एरिस्टोटल या ऑप्शन डी है प्लेटो तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है ये पॉलिटिकल थियरिस्ट थे जिन्होंने किस बुक को लिखा है प्रिंस द प्रिंस नेम की बुक को लिखा है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेनेशा रिलेटेड बुक है ये इंपॉर्टेंट बुक है जो कि उस टाइम ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करती हुई ये बुक लिखी गई है नंबर 22 की तरफ चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स रेनेशा थिंकर्स स्ट्रांगली एसोसिएटेड देमसेल्फ विद द वैल्यूज ऑफ आपको यहाँ पे गैप था उसके बाद क्वेश्चन मार्क था तो रेनेशा जो थिंकर्स थे वो एसोसिएट करते थे वैल्यू ऑफ कैथोलिसिज्म मिडिवल यूरोप क्लासिकल एंटीक्विटी या प्रोटेस्टेंटिज्म तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा क्लासिकल एंटीक्विटी को ये ज्यादा
वैल्यू देते थे क्योंकि रोमन एंड ग्रीक से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे उनके आर्ट कल्चर लिटरेचर बात कर लो आप चाहे उनका ट्रेडिशन बात कर लो उनकी सिविलाइजेशन की बात करो इन सभी से रेनेसा जो थिंकर्स थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और कहीं ना कहीं ये जो चीजें थी ग्रीक या क्लासिकल एंटिक्विटीज जो थी क्लासिकल जो तथ्य हुआ करते थे उनको वो बहुत ज्यादा वैल्यूज दिया करते थे. नंबर 23 हु स्टार्टेड द ह्यूमनिज्म मूवमेंट इन द 14th सेंचुरी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसने ह्यूमनिज्म जो मूवमेंट था उसको स्टार्ट किया 14th सेंचुरी में. दांते पेट्रार्क बोकासियो. ऑप्शन ए सी है ए एंड बी. ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी मीन्स दांते एंड पेट्रार्क एंड बोकासियो आर द इम्पॉर्टेंट ह्यूमनिज्म मोमेंट रिलेटेड ह्यूमनिस्ट जिन्होंने 14th सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेनेसा. तो ये हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा. एलिजाबेथिन एरा से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन. एलिजाबेथिन एरा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड गोल्डन एरा वी कैन से ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसमें ड्रामा एंड पोएट्री वॉज द मेन इम्पोर्टेंट जॉनर रिलेटेड टू लिटरेचर और बेसिकली ड्रामा का जो डोमिनेंस था एलिजाबेथिन एरा में आप देखते हो द ग्रेटेस्ट प्लेराइट वी हैव विलियम शेक्सपियर एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स ने किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथिन एरा में उनका डिस्कशन आज हम एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे. इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके थ्रू करेंगे इस सेशन में. तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करिए जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे. In which year was Tottel's Miscellany published? Tottel's Miscellany आपको बताना है किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है. अगर इस Tottel's Miscellany की बात करें तो ये जो वर्क था ये बुक थी जो ये हेनरी हुअर और थॉमस वेट का था ठीक है जिसको हेनरी हेवर्ड जिनको अर्ल ऑफ सरे के नेम से जाना जाता है और थॉमस वेट का ये इम्पोर्टेंट ये बुक थी कोलेबोरेशन वर्क में लिखा गया था ये. और ये जो बुक की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या था इसमें एक्चुअल में ही सोनेट्स थे. इसमें क्या था टोटल्स मिसेलिनी में सोनेट था और इसको टोटल ने इसको पब्लिश करा था इसको इसलिए इसको टोटल्स मिसेलिनी बोला जाता है. तो ये टोटल नंबर ऑफ 54 सोनेट्स इसमें इंक्लूडेड थे इस वर्क में जो की है टोटल्स मिसेलिनी जिसका नेम है. और इसके साथ ही साथ इसमें निकोलस ग्रिमाल्ड का भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है. निकोलस ग्रिमाल्ड थॉमस वेट हेनरी होवर्ड जिनको अर्राफ सुरे हम बोलते हैं और उसके साथ साथ निकोलस ग्रिमाल्ड का ये इम्पोर्टेंट बुक था एक कोलेबोरेशन वर्क था जिसको हम टोटल मिसेलिनी के नाम से जानते हैं. अब आपको बता रहे हैं कि ये किस ईयर में पब्लिश हुआ है ठीक है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है 1557 इज द करेक्ट आंसर. क्या है 1557 में ये वर्क ये बुक जो थी वो पब्लिश हुई है जो की एक सोनेट का एक कंटेन करते हुए उसमें टोटल नंबर ऑफ 54 सोनेट्स थी हेनरी होवर्ड और थॉमस वेट इसके साथ ही साथ निकोलस ग्रिमाल्ड का इम्पोर्टेंट ये कोलैबोरेशन वर्क था जो कुल सोनेट से रिलेटेड था. नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ दिस लाइन अपीयर्स इन व्हिच शेक्सपियर्स प्ले. आपको बताना है कि किस प्ले में शेक्सपियर की इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है. द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ. ऑप्शन ए रोमियो जूलियट. ऑप्शन बी ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. ऑप्शन सी ट्वेल्थ नाइट या ऑप्शन डी है अमिड समर नाइट्स ड्रीम. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है अमिड समर नाइट्स ड्रीम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके नंबर 3 वी हैव हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी इज रोम. विल्सन नाइट एलसी नाइट्स या आपका है डोवर विल्सन या एडवर्ड डॉडेन. हु हैड सेड दिस अबाउट शेक्सपियर्स like you can say his trilogies and we have the correct answer option A Wilson Knight. Okay option A is the correct answer. Wilson Knight is the correct answer of this question. Agle questions ki taraf chalte hain. 4, 5, and 6 question hai jo ki Elizabethan era se belong kar raha hai. The Duchess of Malfi 1614 ka ye work hai is written by. Ye tragic play hai ठीक है ट्रेजिक प्ले है. आपको बताना है कि ये किसने लिखा हुआ है. डचेस ऑफ माल्फी जॉन वेबस्टर विलियम शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लो थॉमस केज. तो आंसर है ऑप्शन ए जॉन वेबस्टर ने इसको लिखा हुआ है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.
और अगर हम इसको बोलते हैं तो एक तरीके से ये जकोवियन वर्क बोला जाता है, जकोवियन एरा का वर्क बोला जाता है, बट इसको हम यहाँ पे इस सीरीज में हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन 5 है, यूटोपिया वॉज फर्स्ट पब्लिश इन इंग्लिश इन द ईयर, इंग्लिश लैंग्वेज में यूटोपिया किस ईयर में पब्लिश हुई थी, वो आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन है 1551, ऑप्शन बी 1557, ऑप्शन सी 1571, 1584, चारों में से जो करेक्ट आंसर इसका है वो जल्दी से मुझे बता दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलेंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1551 में। इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्क को यूटोपिया, जो कि थॉमस मोर का वर्क था, आप सभी जानते हो, ये फर्स्ट पब्लिश हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो वो 1551 में पब्लिश हुआ है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और बाकी ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये फर्स्ट टाइम जो यूटोपिया था वो किस ईयर में पब्लिश हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूटोपिया वॉज पब्लिश इन विच ईयर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें क्या डिस्कस किया है, इसमें डिस्कस किया है कि किस ईयर में ये इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ है, तो उसका हमने आंसर बता दिया 1551। अब यूटोपिया किस ईयर में पब्लिश हुआ है फर्स्ट टाइम, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे उसका आंसर। नंबर 6 वी हैव, हु सेड दैट शेक्सपियर इज अबव ऑल मॉडर्न राइटर्स, द पोएट ऑफ नेचर, अर्नोल्ड कॉलरिज, डॉक्टर जॉनसन या ड्राइडन। दिस कोटेशन इज सेट बाय ऑप्शन सी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सैमुअल जॉनसन ने ये कोटेशन शेक्सपियर के लिए बोला है। Above all moderns, the poet of nature. That was said about Shakespeare. Next we have the question, man is maker of his own fate. Who quoted this line? Man is maker of his own fate. अपने भाग्य का निर्माता इंसान खुद होता है, ये quotation कितने quote किया गया है, Francis Bacon, option B, William Shakespeare, John Milton, John Webster. And the correct answer we have option A, Francis Bacon, one of the important essays we have of the Elizabethan era, Francis Bacon है, जिन्होंने important आप सभी इनके जो essays हैं उससे बहुत अच्छे से familiar हो, और man is the maker of his own fate, this quotation is from Francis Bacon. Next number question, the Seyfert's calendar Amiruti was written by, अब बताइए इसका question का answer, Seyfert's calendar की बात करते हैं, Amiruti की बात करते हैं, तो किसने इसको लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट पोएट है एलिजाबेथन एरा के, जॉन मिल्टन, जॉन जन, फिलिप सिडनी या एडमंड स्पेंसर, एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एडमंड स्पेंसर ने ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऑप्शन डी पे हम टिक करेंगे। शेफर्ड्स कैलेंडर जो कि 12 इकोलॉग में ये लिखा गया वर्क है, ये स्पेंसर का वर्क है, 12 जो सीजन्स हैं उनसे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट वर्क है, और Amiruti की बात करते हैं तो ये सोनेट साइकिल है जो कि स्पेंसर ने लिखा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है नंबर 9 क्वेश्चन, आंसर करिए आप सभी, दी अनदर नेम ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बडेक इज, और मुझे बताइएगा गॉर्बडेक किसने लिखा हुआ है। ठीक है, गॉर्बडेक, हु हैड रिटन दिस ट्रेजेडी, ट्रेजिक प्ले गॉर्बडेक, ऑप्शन ए है, इसका अनदर नेम बताना है, द ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बडेक, जिसको हम क्या रिगार्ड करते हैं, फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश। ठीक है, ये देखते रहिएगा, इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखी गई पहली ट्रेजेडी है ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बडेक, या गॉर्बडेक जिसके नेम से जानते हैं हम इसको, इसका अनदर नेम क्या है, सेनेकन ट्रेजेडी है, फेरेक्स एंड पोरेक्स है, ट्रेजिक स्टोरी है, या ट्रेजेडी ऑफ टू ब्रदर्स है, वॉट इज द Another name of the tragedy of Gorbatek? Answer is option B. Option B is the correct answer. यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे। Option B हमारा correct answer होगा। Ferrex Porrex दो brothers थे, और इसका जो सब टाइटल अगर बात करते हैं या another name की बात करते हैं Gorbatek का, तो वो Ferrex and Porrex है। इसके writer का या dramatist का क्या name था वो मुझे comment section में बताइए। Comment करो आप सभी, इनके जो राइटर्स थे, प्ले राइट थे, उनका क्या नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 10 क्वेश्चन, थॉमस मोर्स यूटोपिया वाज ओरिजिनली रिटन इन किस लैंग्वेज में, ओरिजिनली की बात हो रही, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि किस ईयर में ये ओरिजिनली फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था जो इसका था, थॉमस मोर की यूटोपिया का,
जिस लैंग्वेज में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था उस ईयर का नाम बताना है। और यहाँ पे आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है दूसरा, ये क्वेश्चन है कि थॉमस मूर की यूटोपिया जो थी वो किस लैंग्वेज में ओरिजिनली ये लिखी गई थी, मीन्स जब फर्स्ट टाइम थॉमस मूर ने इसको लिखा था तो वो किस लैंग्वेज में लिखा था, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश या फ्रेंच। तो ऑप्शन बी हमारा है, ये मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी और 1551 में ये था इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ये पब्लिश हुआ है 1551 में। तो ऑप्शन बी हम इसका करेक्ट आंसर करेंगे कि ये वर्क जो था यूटोपिया ये फर्स्ट टाइम ओरिजिनली ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है, थॉमस मूर ने लैटिन लैंग्वेज में इस वर्क को लिखा था। यूटोपिया का क्या होता है, एन इमेजिनरी आइडियल प्लेस, एक काल्पनिक आदर्श जगह है जिसको बोलते हैं, आइडियल मीन्स जहां पे कोई करप्शन ना हो, इक्वलिटी हो, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई लॉ ना हो किसी के लिए, किसी तरीके का कोई रूल रेगुलेशन ना हो, सब एक सिंपल लाइफ फॉलो करते हो, उस जगह को यूटोपिया बोला जाता है। ऐसा थॉमस मूर ने अपने वर्क में लिखा हुआ है कि ऐसा जगह होनी चाहिए जहां लोग इक्वली रहें, कोई करप्शन ना हो और एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें, सबके लिए इक्वल राइट्स हो, सबके लिए जो आपके जो योजनाएं हो, स्कीम्स हो या जो अपॉर्चुनिटीज हो, सबके लिए इक्वल हो, ऐसा उन्होंने सोचा था अपने इस वर्क में जो लिखा है यूटोपिया के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है नंबर 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The passage beginning all the words stays is spoken by in as you like it. As you like it play में ये speech या ये line जो है, ये quotation जो है कि किसने बोला है, who is the speaker? All the words stays is spoken by Frederick, Tuckston, Orlando या Jacks. और इसका बहुत easy answer है, बार बार हम इस question को पढ़ते हैं, option D की तरफ हम टिक करेंगे, option D हमारा correct answer है, Jacks. जैक्स ने इसको लाइन को बोला हुआ है, एज यू लाइक इट प्ले में। नंबर 12 क्वेश्चन, आप सभी इसका आंसर करिए, हु कॉल्ड स्पेंसर द पोएट्स पोएट, पोएट्स पोएट ये जो फ्रेज था या ये टाइटल था, ये स्पेंसर को, एडमंड स्पेंसर को किसने दिया हुआ है, चार्ल्स लैम, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नॉल्ड, टीएस एलियट। फ्रेज की बात हो रही है, द पोएट्स पोएट किसके थ्रू दिया गया है स्पेंसर को, ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, चार्ल्स लैम, ठीक है, चार्ल्स लैम ने दिया है इसको, इस लाइन को, जो कि पोएट्स पोएट जो टाइटल था वो स्पेंसर को चार्ल्स लैम के थ्रू दिया गया है। ये भी एसेलिस्ट थे, ग्रेट एसेलिस्ट, एलिया के नेम से फेमस थे, इनका सब टाइटल अगर बात करते हैं एलिया था। अब चलिए 12 क्वेश्चन तक अभी हमने कर लिया, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13, 14 और 15 क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा आप सभी के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, आंसर करिए, अर्काडियास 1593 का जो वर्क है इज रिटन बाय, किसने लिखा हुआ है अर्काडिया, जॉन वेबस्टर, सर फिलिप सिडनी, जॉन मिल्टन या आपका है स्पेंसर, हु हैड रिटन दिस वर्क अर्काडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसकी अगर हम बात करते हैं वो हमारा ऑप्शन बी है, फिलिप सिडनी, फिलिप सिडनी का ये वर्क है अर्काडिया और ये 1593 में पब्लिश हुआ है, ऑप्शन बी की तरफ हम यहाँ पे टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज इज, फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज जो बोला जाता है वो फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है, ऑप्शन बी हम पिक करेंगे, एलिजाबेथ हेरा के ग्रेट एसेज़ थे, हमने अभी आप बात की इनसे रिलेटेड। तो फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज अगर क्वेश्चन आता है आपका तो वहां पे आप ऑप्शन बी पे टिक करोगे, अगर फादर ऑफ प्रोज बोला जाता है तो वहां पे हम मॉन्टेन का नाम लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, ब्लैंक वर्ड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर इन सुरेश ट्रांसलेशन ऑफ, सुरे की ट्रांसलेशन में जो हम बात कर रहे थे अर्ल ऑफ सुरे, जिनको हेनरी होवर्ड बोला जाता है, हेनरी होवर्ड उनका नाम था बट अर्ल ऑफ सुरे के नाम से वो फेमस हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में। टोटल मिसेलेनियम बुक उन्होंने लिखी हुई है जिस बुक की सोनेट्स का सीक्वेंस था, उसमें सोनेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया हुआ है।
आपको बताना है कि ब्लैंक वर्ड्स उन्होंने अपने किस इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंट्रोड्यूस किया था, एनिएड, मेटामॉर्फोसिस, इलियड या ऑर्लैंडो फ्यूरिजो। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, एनिएड जो था एपिक पोयम उसके ट्रांसलेशन में उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को यूज करा हुआ है। अगला नंबर 16, 17, 18 क्वेश्चन है, ग्लोरियाना इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स, ग्लोरियाना जो कैरेक्टर है फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर की एपिक पोयम है, एलिगोरिकल वर्क है एडमंड स्पेंसर का, आपको इसका आंसर देना है कि ग्लोरियाना का कैरेक्टराइजेशन जो था वो किन को रिप्रेजेंट करते हुए, किस रियल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए, रियल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हुए एडमंड स्पेंसर ने ग्लोरियाना को कैरेक्टराइज किया हुआ है। ऑप्शन ए है कैथोलिक चर्च, ऑप्शन बी क्वीन एलिजाबेथ, ऑप्शन सी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स या एन बोलेन बोलेन। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर, वी हैव क्वीन एलिजाबेथ को यहाँ पे उन्होंने कैरेक्टराइज किया गया है, ग्लोरियाना का कैरेक्टर जो है वो क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्वीन एलिजाबेथ को एक तरीके से डेडिकेट भी किया है यहाँ पे इस वर्क को एडमंड स्पेंसर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, नंबर 17, व्हिच शेक्सपियरियन कैरेक्टर सेज आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिन, ये हमने अभी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। अब चलिए इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए, किस कैरेक्टर की बात हो रही है जिसने अपने आप को ये बोला है कि ये कोटेशन उसने खुद बोला है, आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिन, किंग लियर, प्रॉस्पेरो, हैमलेट या हेनरी फू। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, किंग लियर ने किंग लियर प्ले में अपने आप को एक कोटेड किया है इस लाइन के थ्रू, स्पीक उसको उन्होंने बोला है अपने लिए कि मैं ऐसा इंसान हूँ जिसने जितना पाप नहीं किया कहीं उससे ज्यादा वो उसको भुगत रहा है। ठीक है, ये लाइन उन्होंने अपने लिए बोली है। 18, we have the question number, what is the name of the play within a play in Hamlet? Hamlet play के अंदर जो प्ले था हुआ है, जो एक तरीके से परफॉर्म हुआ है, उसका नेम क्या था, इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन ए है मर्डर ऑफ द रू मॉर्ग, ऑप्शन बी मर्डर ऑफ गोंजेंगो, ऑप्शन सी है मर्डर ऑफ गोंजेलो या ऑप्शन डी है मर्डर ऑफ बास्कर विलिस, विच वन इज द आंसर, करेक्ट आंसर इसको बताइए। कि ये एक तरीके से एक रिएक्शन देखने के लिए कि क्या जो क्लॉडियस था वो सच में विलेन था या उसने सच में उसके फादर को मारा हुआ है, हैमलेट के प्रिंस हैमलेट के फादर को, तो इसीलिए हैमलेट ने एक पूरा कॉन्स्पायर किया एक तरह से इसको प्ले विद इन अ प्ले किया कि एक प्ले वहां पे परफॉर्म हुई, एक परफॉर्मेंस हुई, तो उसको हम प्ले विद इन अ प्ले बोला जाता है। और वो क्या था, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मर्डर ऑफ गोंजेंगो। ओके, मर्डर ऑफ गोंजेंगो जिसको द माउस ट्रैप भी बोला जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, द माउस ट्रैप। ये आंसर है, माउस ट्रैप ये बोला जाता है और मर्डर ऑफ गोंजेंगो इसको बोला जाता है ये इसमें, और अगर अगर अदर नेम की बात आती है तो माउस ट्रैप उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर माउस ट्रैप आ गया कहीं आपको दिख रहा है और किसी प्ले से रिलेटेड है तो वो हमारा हैमलेट से ही रिलेटेड होगा, जो प्ले विद इन अ प्ले हुआ था उसका नेम था मर्डर ऑफ गोंजेंगो और उसको माउस ट्रैप के नेम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर करेक्ट होगा। नंबर 19 क्वेश्चन 20-21 है, 19-20-21 स्क्रीन पे आप सभी के लिए रहा। 19 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं पहले, इन विच ईयर वाज द ग्लोब थिएटर बिल्ट, ग्लोब थिएटर किस ईयर में बिल्ट हुआ था, मींस किस ईयर में इसको बनाया गया था, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है 1569, ऑप्शन बी है 1579, ऑप्शन सी 1589, ऑप्शन डी 1599। तो इन विच ईयर इट वॉज बिल्ट, तो आंसर की अगर हम बात करते हैं वो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1599 में इसको बिल्ट किया गया था, ये आंसर हमारा करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है और इसमें पार्टनर थे शेक्सपियर, शेक्सपियर वॉज द पार्टनर इन दिस थिएटर दैट वॉज नोन एज द ग्लोब थिएटर, 1599 में ये बना हुआ था और इसको अगर इसके जलने की बात करते हैं
ये किस ईयर में जला हुआ था, बर्न डाउन हुआ था, तो वो अगर आता है उसका आंसर, तो वो आंसर हमारा है 1613। ठीक है, 1613 में जब हेनरी प्ले जो था, हेनरी एट का परफॉर्मेंस हो रहा था, उसी ईयर में ये 1613 में ये बर्न डाउन हो गया था। अगला क्वेश्चन है नंबर 20, विच इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी का नेम बताना है, ऑप्शन ए बी सी में से सी हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज मैकबेथ। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कंट्री इज कंसीडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेशा। बर्थ प्लेस ऑफ रेनेशा का अगर बात करते हैं तो किस कंट्री को कंसीडर किया जाता है, इटली, स्पेन, फ्रांस एंड इंग्लैंड इज द ऑप्शन एंड वी हैव द आंसर, दैट इज इटली। सबसे पहले इटली में रेनेशा जो था वो स्टार्ट हुआ था। नंबर 22, 23, 24 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। 22 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, द नंबर ऑफ द पोएम्स इन सिडनीज सोनेट सीक्वेंस, दैट इज एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला। एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला की बात करते हैं, जो सोनेट सीक्वेंस है सिडनी का, इसमें कितने नंबर ऑफ पोएम्स थी, 99, 47, 112 या 108, इसका आंसर करिए जल्दी से आप सभी। और इसको अगर बात करते हैं तो इसका जो आंसर था वो था है 108 सोनेट्स। ठीक है, ये 108 सोनेट्स का सीक्वेंस था, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। और इस सोनेट सीक्वेंस के जो राइटर थे या पोएट थे उनकी बात करते हैं, वो थे हमारे सिडनी, फिलिप सिडनी। ठीक है, नंबर 23 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, द फर्स्ट वर्क ऑफ थॉमस गेट इन इंग्लिश लिटरेचर ट्रांसलेटेड इन मेनी यूरोपियन लैंग्वेज वॉज। थॉमस किड का सबसे पहला इंग्लिश लिटरेचर में जो वर्क था, इंग्लिश का फर्स्ट वर्क की बात हो रही है, जो कि मेनी यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है वो वर्क, आपको उस वर्क का नेम बताना है। बहुत ही फेमस वर्क है, डेविड एंड बाथशेबा, स्पैनिश ट्रेजेडी, सोको एंड पोहो, गॉटबेटेक, विच वन इज द आंसर, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रेजेडी, स्पैनिश ट्रेजेडी, जो कि थॉमस किड का एक रिवेंज ट्रेजेडी है, इसको हम सेनेकिन ट्रेजेडी भी बोलते हैं। ठीक है, सेनेकिन ट्रेजेडी भी इसको बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच वर्क डिड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर ऑथर। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वर्क एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, कैशर ऑफ रिजर्वेंस, ऑप्शन बी द डबल, मेटामॉर्फोसिस या फेरिग्रीन, एंड बिना डाउट के ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, फेरिग्रीन एपिक पोएम है एडमंड स्पेंसर की, तो ये हमारा आंसर करेक्ट। नंबर 25 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, What was Elizabeth's close circle of advisors called? Important question है, note down कर लो आप सभी। अगर हम बात करते हैं Elizabeth, Queen Elizabeth की बात हो रही है यहाँ पे, और उनके close circle of advisors की बात हो रही है, तो वो कौन करता था, उनको advice कौन करता था, जिससे वो किसी भी social issue या किसी भी जो एक situation होती थी, difficult situation या ऐसे issues पे, वो किससे अपनी advice लेती थी, स्टार शैम्बर, पार्लियामेंट, प्रिवी काउंसिल या कैबिनेट। ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट है, प्रिवी काउंसिल वाज द क्लोज सर्कल ऑफ एडवाइजर्स, जो कि क्वीन एलिजाबेथ को उनके जो इश्यूज हुआ करते थे उसमें उनको एडवाइस देता था। टिल देन कीप वाचिंग इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी ऑन दिस चैनल।